दम से उजाला कर दे। शैतान का मुंह काला है, तू जाकर और काला कर दे।
शैतान का मुंह काला है, तू जाकर और काला कर दे। मैं शैतान हूं और तू बदी है। जमाने में जाकर बुराई का बीज बो दे। जो कालख लगाई है ईमान ने मुझको, तू उसको धो दे। इंसानों की किस्मत का बीज बो दे। जो कालख लगाई है ईमान ने मुझको, तू उसको धो दे। इंसानों की किस्मत तेरे हाथ में है और उनकी कुंजी मेरे हाथ में है। गलत है, झूठ है। खुदा के नेक बंदों की किस्मत मेरे हाथ में है और उसकी कुंजी ईमान के हाथ में। देख ईमान कुंजा लिए हुए जन्नत के दरवाजे पे खड़ा, नेकी पे चलने वालों की राह देख रहा। अल्लाह बहुत बड़ा है। अब नेक हातम को भी देख, जिसकी सखावत का चर्चा आज भी। अल्लाह बहुत बड़ा है। अब नेक हातम को भी देख, जिसकी सखावत का चर्चा आज भी दोनों जहां में है। सभी हाथ उनकी है, सभी दादा भी है। सभी हाथ उनकी है, सभी दादा भी है। जो हरे डोलिया है ते दादा भी है। जो हरे डोलिया है ते दादा भी है। सभी हाथ जमीन पर ईमान का चिराग जला कर आया है। शैतान को शिकस्त देकर उसकी हस्ती मिटा कर आया। आज ईमान के उस चिराग को हातम की बेटी ने जला रखा है। वो देख, ये रोशनारा हातम की छोटी बेटी है। हातम की तरह हॉल की पक्की और सखी है। आज इसके दम से शाहबाद में कोई भूखा नहीं सोता। ये रोशनारा हातम की छोटी बेटी है। हातम की तरह हॉल की पक्की और सखी है। आज इसके दम से शाहबाद में कोई भूखा नहीं सोता। ये भूखों को खुद खाना खिलाती और इसके दम से कोई नंगा नहीं है। ये इन सबों को खुद कपड़े पहनाती। दुनिया ऐसी हस्तियों से आबाद है। इसके क्या औकात जो मेरे सामने ठहर जाए। तेरी क्या मजाल जो इसके मुकाबले में ठहर जाए। अगर तेरा दावा है कि ये साबित कदम रहेगी और मेरे मुकाबले पर जमी रहेगी तो इसके क्या औकात जो मेरे सामने ठहर जाए। तेरी क्या मजाल जो इसके मुकाबले में ठहर जाए। अगर तेरा दावा है कि ये साबित कदम रहेगी और मेरे मुकाबले पर जमी रहेगी तो मुझे दो तीन बार आजमा लेने दे। दो तीन बार नहीं, सात बार आजमा ले। जितनी तुझ में हिम्मत है जाके उसे सता ले। ये खुदा के रास्ते से मुंह ना मोड़ेगी। ईमान का दामन जो इसने थामा है उसको कभी ना छोड़ेगी। खुदा, ईमान, नेकी तीनों आसमान पर रहेंगे। शैतान, आदमी, बदी जमीन पर साथ रहेंगे, साथ जिएंगे। देख ओ मकरूस, सात कबूतर बैठे हैं। हर शिकस्त पर एक कबूतर उड़ जाएगा और आखिर में मैं तेरा सर कुचलने आऊंगी। देखा जाएगा। मुझे खाना दो, मुझे खाना दो, खाना लो, मैं बहुत देर से भूखी हूँ। मुझे खाना दो, लो बेटी, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो, और लो। और ला।
गई, मुझे खाना चाहिए, मैं भूखी हूँ, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। सरकार, एक डायन आई है, जितना खाना उसके सामने रखो सारा का सारा हड़प कर जाती है। मेरे दस्तरखान पर किसी के बारे में कभी कुछ ना कहना। एक डायन आई है, जितना खाना उसके सामने रखो सारा का सारा हड़प कर जाती है। मेरे दस्तरखान पर किसी के बारे में कभी कुछ ना कहना। खुदा जाने बेचारी कब से भूखी होगी। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, मैं भूखी हूँ, जल्दी लाओ खाना, मैं भूखी हूँ, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो, मैं भूखी हूँ। बड़ी बी, अगर किसी ने कुछ कहा हो तो माफ करना। लो पेट भर के खा लो, अगर भूख मिटने से पहले ही खाना खत्म हो गया तो तुम इसकी फिक्र ना करो, खुदा के नाम में बड़ी बरकत है। लो बिस्म भर के खा लो, अगर भूख मिटने से पहले ही खाना खत्म हो गया तो तुम इसकी फिक्र ना करो, खुदा के नाम में बड़ी बरकत है। लो बिस्मिल्लाह करो। लो खाओ बड़ी बी, बिस्मिल्लाह करो। मेरा पेट भर गया है, मेरा पेट भर गया है। तुम जब भी आओगी मेरा दस्तरखान बिछा हुआ पाओगी, तुम जब चाहो आ सकती हो और जिसे चाहो ला सकती हो। रोशनारा का दिल ईमान से भरा हुआ है, उसकी जुबान में वो तासीर है जो एक सच्चे खुदा के मानने वालों की जुबान में हुआ करती है। देखा हो बदी, एक चीज हमेशा याद रख, जो इंसान खुदा के नाम की रस्सी को मजबूती से पकड़ लेता है उसके पास ना तेरा गुजारा हो सकता है। एक चीज हमेशा याद रख, जो इंसान खुदा के नाम की रस्सी को मजबूती से पकड़ लेता है उसके पास ना तेरा गुजारा हो सकता है ना मेरा। रोशनारा पक्की खुदा परस्त है, तू जाकर उसकी बहन जहानारा को संभाल, वो हुक्मरान है, उससे बड़ी है, बहन के हाथों बहन को बर्बाद करा दे। People
नैदार छुपके दिल पे करे वार छुपके दिल पे करे वार अजी कर लो इनसे प्यार सुनी सुनी है बाहर सुनी सुनी है बाहर छोड़ो छोड़ो इनकार कर लो इकरार सुनी सुनी है बाहर सुनी सुनी है Thank you.
सबके दिल में रहते हैं। सब इनके ताबेदार, सब इनके ताबेदार, ये हैं सबके दिलदार, ये हैं सबके दिलदार। राजी कर लो इनसे प्यार, सुनी सुनी है बाहर, सुनी सुनी है बाहर, छोड़ो छोड़ो इनकार, कर लो कर लो इकरार, सुनी सुनी है बाहर, सुनी सुनी है बाकी है बाहर, छोड़ो छोड़ो इनकार, कर लो कर लो इकरार, सुनी सुनी है बाहर, सुनी सुनी है बाहर। बेटा सलीम, दुनिया की हर माँ चाहे वो गरीब हो या अमीर, अपनी औलाद के सर सेरा बांधा हुआ देखना चाहती है। बेटा अब तुम शादी कर लो। अम्मी जान, क्या है जरूरी है कि हमारी ही शादी हो? असलम भी तो आप। बेटा अब तुम शादी कर लो। अम्मी जान, क्या है जरूरी है कि हमारी ही शादी हो? असलम भी तो आपका बेटा है। तुम बड़े हो बेटा। मैं बड़ा हूं इसलिए तख्त ताज का वारिस हूं, और जब तक तूरान की सारी रियाया खुश न हो, सलीम शादी नहीं करेगा। क्या हम अपने बेटे सलीम से दरियाफ्त कर सकते हैं कि रियाया में कौन सा रंजोगम फैला हुआ है? शाहबाद खुश न हो, सलीम शादी नहीं करेगा। क्या हम अपने बेटे सलीम से दरियाफ्त कर सकते हैं कि रियाया में कौन सा रंजोगम फैला हुआ है? शाहबाद की तरह यहाँ के लोग खुश नहीं है। शाहबाद की खुशी का दारो मदार वहाँ की बादशाहत पर नहीं है, वो हातिम की छोटी बेटी रोशनारा की सखावत पर है। सखावत पर हो या बादशाहत पर, मगर वहाँ की रियाया यहाँ से ज्यादा खुशहाल है। सलीम तख्त पर बैठकर तूरान को शाहबाद बनाना चाहता है, और वो उसी वक्त पर हो या बादशाहत पर, मगर वहाँ की रियाया यहाँ से ज्यादा खुशहाल है। सलीम तख्त पर बैठकर तूरान को शाहबाद बनाना चाहता है, और वो उसी वक्त हो सकता है कि आप तख्त पर बैठकर राज करें और मैं फर्श पर बैठकर सखावत, जैसे जहानारा तख्त पर है और रोशनहारा सखावत पर। आप असलम से ये उम्मीद न रखें कि वो कुर्बानी का बकरा बन जाए। अब्बा जान और अम्मी जान की खिदमत में आदाब। हम कुर्बानी का बकरा बनने को तैयार हैं। आप असलम से ये उम्मीद न रखें कि वो कुर्बानी का बकरा बन जाए। अब्बा जान और अम्मी जान की खिदमत में आदाब। हम कुर्बानी का बकरा बनने को तैयार हैं। तुम तख्त पर बैठकर राज करो, हम फर्श पर बैठकर सखावत करेंगे। वाह 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 वाह, नेकी और पूछ पूछ। फरमाइए अब्बा जान। तुम जब भी आओ। तुम तख्त पर बैठकर राज करो, हम फर्श पर बैठकर सखावत करेंगे। वाह 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 वाह, नेकी और पूछ पूछ। फरमाइए अब्बा जान। तुम जब भी आते हो बात मजाक में उड़ जाती। मगर हमने मजाक नहीं किया, हम छोटे भाई के हक में दस्त बरदार होने को हर वक्त तैयार हैं। और छोटा भाई गर्दन झुकाए हुक्म मानने को तैयार है। कहिए अब्बा जान। तो बात मजाक में उड़ जाती। मगर हमने मजाक नहीं किया, हम छोटे भाई के हक में दस्त बरदार होने को हर वक्त तैयार हैं। और छोटा भाई गर्दन झुकाए हुक्म मानने को तैयार है। कहिए अब्बा जान। तखलिया, हमें सलीम से कुछ जरूरी बातें करनी, मलिका से हमें काम है। तो सिर्फ बंदा ही जा सकते हो? बेहतर आली जा। मलिका, हमें खुशी है कि सलीम के दिल में किसी बेहतर आली जा। मलिका, हमें खुशी है कि सलीम के दिल में किसी लड़की के लिए तो जगह है। ये तस्वीर शाहबाद से एक सौदागर लाया है। खूब, बहुत अच्छे। बेटा देखो तो, ये तुम्हें पसंद है? ये उसी रोशनारा की तस्वीर है जिसके दम से शाहबाद में न कोई अमीर है न कोई गरीब। ये तुम्हें पसंद है? ये उसी रोशनारा की तस्वीर है जिसके दम से शाहबाद में न कोई अमीर है न कोई गरीब। इसके बारे में सोचने का मौका दीजिए। माफ कीजिएगा, वही चीज भूल गया जिस पर पूरा अख्तियार है, और वो सिपाही की तलवार है। देखें भाईजान, ये क्या मार है? तलवार लो और चले जाओ। हुक्म अदूली के अब्बा जान सजा दे सकते हैं। वाह बहुत खूब, इस पर भाईजान सोचने का मौका मांग रहे हैं। अब्बा जान, मैंने सोच लिया, मेरी शादी करा दीजिए ना। असल बहुत खूब,
इस पर भाईजान सोचने का मौका मांग रहे हैं। अब्बा जान, मैंने सोच लिया, मेरी शादी करा दीजिए ना। असलम, किसी दिन तुम्हें सच में सजा ना देनी पड़ जाए। तस्वीर दिखाकर सजा तो आपने दे दी, मुसव्वर का कमाल या खुदा की कुदरत, तस्वीर बहरहाल खूब है। इसका लड़कपन कभी नहीं जाएगा। देखो सलीम, इसके बारे में हमें जल्दी जवाब देना। जिस तरह तुरान में तुम्हारी अच्छाई के चर्चे हैं, इसी तरह इसकी अच्छाई के चर्चे भी तमाम जगह होते हैं। क्या तस्वीर है, देखकर दर्द होने लगा है सीनों में, बढ़ते बढ़ते चर्चा होने लगा हसीनों में, मलका साहिबा मुबारक हो नजरों में एक हसीन आया, देखकर दर्द होने लगा है सीनों में, बढ़ते बढ़ते चर्चा होने लगा हसीनों में, मलका साहिबा मुबारक हो नजरों में एक हसीन आया। क्या हम इनसे शादी करें, ये तुम सबको यकीन है? नजर झुक रही है, चेहरा शर्मा रहा है, मोहब्बत की दुनिया दिल में कोई बसा रहा है, ये दिल है कि मचला जा रहा है, जल्दी से शादी रचा लो, मोहब्बत की दुनिया खुशी से बसा लो। तुम सब मजबूर करती हो, रहा है ये दिल है कि मचला जा रहा है, जल्दी से शादी रचा लो, मोहब्बत की दुनिया खुशी से बसा लो। तुम सब मजबूर करती हो तो हम मंजूर करते हैं, मोहब्बत की दुनिया बसाएंगे इनके दम से, हम मोहब्बत करेंगे इनसे और ये करेंगे हम। अरे वो काम करके हसीनों में नाम हो, अरे वो काम करके हसीनों में नाम हो जाए, अरे वो काम करके हसीनों में नाम हो जाए, और खुदा करे के जल्दी से शहजादे की शादी। ए, 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 मित्रा मित्रा नहीं जुड़ा। हाँ। तेरे कहने का मतलब यह है कि मित्रा नहीं जुड़ा? हाँ। अरे बेटा, मित्रा नहीं जुड़ा तो क्या हुआ, अरे दिल की बात तो गाजी। हाँ। खुदा ए, 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 मित्रा नहीं जुड़ा। हाँ। तेरे कहने का मतलब यह है कि मित्रा नहीं जुड़ा? हाँ। अरे बेटा, मित्रा नहीं जुड़ा तो क्या हुआ, अरे दिल की बात तो गाजी। खुदा कर, ये कौन है? कौन है? चल, तू चल, तू चल, तू तू जा, तू जा, तू जा, तू जा, तू जा, चल, 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 ये कौन है? कौन है? चल, तू चल, तू चल, तू जा, तू जा, तू जा, तू जा, चल, 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 तू बे, मैं बे, तुम बे, शहजादे के कमरे में घुसा। हाँ बेटा देख, हम तेरी कैसे चटनी बनाते हैं, जाओ, सब बता ले आओ। अबे क्या बेहूदगी है बेटा, अरे शहजादे हुजूर की आवाज से तो आवाज मिला ली। अरे मगर उनकी शक्ल से शक्ल मिला तो हम तुझे छोड़ेंगे। बकुफो, हमने भेष बदला है। बाबा हम कहते हैं माने के भेष। बेटा, अरे शहजादे हुजूर की आवाज से तो आवाज मिला ली। अरे मगर उनकी शक्ल से शक्ल मिला तो हम तुझे छोड़ेंगे। बकुफो, हमने भेष बदला है। बाबा हम कहते हैं माने के भेष बदला है। सरकार, सरकार, मगर ये लिबास बदल कर आप कहाँ जा रहे हैं? हम शाहबाद जा रहे हैं शहजादी रोशनारा को देखने। शाहबाद तो बदला है। सरकार, सरकार, मगर ये लिबास बदल कर आप कहाँ जा रहे हैं? हम शाहबाद जा रहे हैं शहजादी रोशनारा को देखने। शाहबाद तो सरकार, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं भी चलूंगा। मैं जाऊंगा। तुम दोनों में से कोई एक जाए। मैं जाऊंगा सरकार। तो दोनों तय कर लो पहले। दोनों तय कैसे? तय पर क्या सरकार, ये मान गया, हम दोनों चलेंगे। दोनों चलेंगे। चलिए चलिए, मित्रा बांध चलते। आपके पैरों की थकान मेरे हाथ में घुसती जा रही है। चुप रहो, हमें सोचने दो। अरे मेरे बारे में भी तो सोचो, नहीं तो कहीं हाथों के जरिए मेरी जान निकल जाएगी। इस मोटे हकीम चीते क्यों नहीं दबाते? अच्छा, तुम छोड़ दो, मोटे तुम दबाओ। आई मुझे बस आ गई बजाएगी। इस मोटे हकीम चीते क्यों नहीं दबाते? अच्छा, तुम छोड़ दो, मोटे तुम दबाओ। आई मुझे बस आ गई। जरा हाथ दे, हाथ। अरे अरे ये आप हैं? नहीं तो क्या आपके बाप हैं? उधर जाओ। जरा हाथ दे, हाथ। अरे अरे ये आप हैं? नहीं तो क्या आपके बाप हैं? उधर जाओ। सोच लिया, सोच लिया। क्या सोचा हुजूर? पांव के बारे में कुछ सोचा है? हाँ हाँ, हम इन पांव से सफर करेंगे।
सत्यानाश, पूरे एक साल पांव दबाना पड़ेगा। हुजूर, लेकिन ये सफर कहाँ तक का सोचा है आपने? हम शाहबाद जाएंगे। अच्छा करेंगे, रोशनारा को देखने सफर करेंगे। सत्यानाश, पूरे एक साल पांव दबाना पड़ेगा। हुजूर, लेकिन ये सफर कहाँ तक का सोचा है आपने? हम शाहबाद जाएंगे। अच्छा करेंगे, रोशनारा को देखने। जब से उसकी तस्वीर देखी है दिल में यूं यूं होता है। मोटे, कभी तुम्हारे दिल में यूं यूं हुआ है? सरकार, मैं कोई हकीम थोड़ी। जब से उसकी तस्वीर देखी है दिल में यूं यूं होता है। मोटे, कभी तुम्हारे दिल में यूं यूं हुआ है? सरकार, मैं कोई हकीम थोड़ी हूँ। मैं तो नशेबाज हूँ सरकार। हाँ याद आया, ये कौवा परी सरकार जब मुझसे रूठ जाती है यानी खत्म हो जाती है तो मेरा दिल भी यूं यूं करने लगता है। सरकार, आ गई बात पकड़ में। सरकार, जरूर आपसे कोई रूठ गया है। हाँ, हातिम की बेटी रोशन आराम से रूठ गई। हम उसे मनाएंगे और हातिम की सखावत को जगाएंगे। कमाल, हाँ, तुम मेरे साथ आओ। बोटे, तुम यही बैठो। मैं यही बैठूं सरकार? हाँ, हाँ यही बैठता हूँ सरकार। जाओ छोटे, बुला रहे हैं। हातिम की सखावत और खौल के सच्चा होने के सिले में आज के दिन हमें शाबाश मिला था। अपने बाप की सखावत, बुला रहे हैं। हातिम की सखावत और खौल के सच्चा होने के सिले में आज के दिन हमें शाबाश मिला था। अपने बाप की सखावत कायम रखने के लिए आज मैंने ज्यादा से ज्यादा आदमी को बुलाया। आप भी तशरीफ ले चले। हम ऐसी जगह जाना पसंद नहीं करते। कायम रखने के लिए आज मैंने ज्यादा से ज्यादा आदमी को बुलाया। आप भी तशरीफ ले चले। हम ऐसी जगह जाना पसंद नहीं करते जहाँ दौलत को बेदर्दी से लुटाया जाए। आपा जान, मैं दौलत को शैतान और बदी के रास्ते पर नहीं लुटाती हूँ। जो लुटकर तमाम हो जाए। जहाँ दौलत को बेदर्दी से लुटाया जाए। आपा जान, मैं दौलत को शैतान और बदी के रास्ते पर नहीं लुटाती हूँ। जो लुटकर तमाम हो जाए। मेरी दौलत ईमान और नेकी के रास्ते पर खर्च होती है। इसे जितना भी खर्च करूँगी उतनी ही बढ़ेगी। सखावत से दौलत कम नहीं होती। मेरी दौलत ईमान और नेकी के रास्ते पर खर्च होती है। इसे जितना भी खर्च करूंगी उतनी ही बढ़ेगी। सखावत से दौलत कम नहीं हो जाती। अगर कम हो गई तो मैं आपसे मांगने नहीं आऊंगी। बताइए आप चलेंगे? तुम छोटी बहन, तुम्हारा दिल रखना जरूरी है। चलो हम चलते हैं। एक दिन हाथ में ताई से किसी ने पूछा, ताई से किसी ने पूछा, क्यों मुसीबत में गिरफ्तार तू रहता है सदा। फिरता है मारा मारा बोला कुछ और नहीं जानता हूँ इसके सिवा। जब यहाँ से जाऊँ इसके सिवा जब यहाँ से जाऊंगा मैं और क्या ले जाऊंगा। जब यहाँ से जाऊंगा मैं और क्या ले जाऊंगा। एक नेकी एक भलाई एक दुआ ले जाऊंगा। जब यहाँ से जाऊंगा मैं और क्या ले जाऊंगा। भलाई एक दुआ ले जाऊंगा। जब यहाँ से जाऊंगा मैं और क्या ले जाऊंगा। चार दिन की जिंदगानी और दुनिया
दिल की कहानी और दुनिया चंद रोज चार दिल की ये सरा है जिसमें रहना चंद रोज क्यों न कर जाऊं जहां मैं नाम अपना चंद रोज क्यों न कर जाऊं जहां मैं नाम अपना चंद रोज एक अपना नाम या नामे खुदा ले जाऊंगा जब यहां जाऊं जहां मैं नाम अपना चंद रोज एक अपना नाम या नामे खुदा ले जाऊंगा जब यहां से जाऊंगा मैं और क्या ले जाऊंगा एक नेकी एक भलाई एक दुआ ले जाऊंगा जब यहां से दे जाऊंगा मैं और क्या ले एक भलाई एक दुआ ले जाऊंगा जब यहां से जाऊंगा मैं और क्या ले जाऊंगा अब यही रह जाएगा जाते जाते जाने वाला बस यही कह जाएगा जाते जाते जाने वाला बस यही कह जाएगा मैं यहाँ लाया था क्या और साथ क्या ले जाऊंगा जब यहाँ से जाऊंगा मैं और क्या ले भलाई एक दुआ ले जाऊंगा जब यहाँ से जाऊंगा मैं और क्या ले जाऊंगा एक नेकी एक भलाई एक दुआ ले जाऊंगा जब यहाँ से जाऊंगा मैं और क्या ले जाऊंगा हूँ मैं और खाक में मिल जाऊंगा बीज जैसे बोऊंगा मिल जाऊंगा बीज जैसे बोऊंगा वैसे ही फल में अब नहीं सोचा तो मरते दम बहुत पछताऊंगा अब नहीं सोचा तो मरते दम बहुत पछताऊंगा दामने हस्ती गुनाहों से भरा ले जाऊंगा जब यहाँ से जाऊंगा मैं और क्या ले जाऊंगा एक नेकी एक भलाई एक दुआ ले जाऊंगा जब यहाँ से जाऊंगा मैं और भलाई एक दुआ ले जाऊंगा जब यहाँ से जाऊंगा मैं और क्या ले जाऊंगा जब यहाँ से जाऊंगा मैं और क्या ले जाऊंगा बिस्मिल्लाह कीजिए डाले जाऊंगा जब यहाँ से जाऊंगा मैं और क्या ले जाऊंगा बिस्मिल्लाह कीजिए Thank you.
में तीर सा चला जा रहा है। उफ, मेरे गले में खाने में कुछ मिला हुआ है। हाँ, मैं मर गई। उफ, मेरे गले में खाने में कुछ मिला हुआ है। हाँ, मैं मर गई। मालूम होता है दमटका हुआ है, निकलना ही चाहता है। लो बहन, मालूम होता है दमटका हुआ है, निकलना ही चाहता है। लो बहन, एक घूंट पानी पी लो। क्या खाने में जहर काफी नहीं था जो पानी में जहर मिलाकर लाई हो? तुमने हम सबको जहर दिया है। जहर? क्या मुझको भी जहर दे दिया? आप जान, खुदा गवाह है, मैंने जहर नहीं दिया। हम सब समझते हैं, हालत बिगड़ी जाए। आप जान, आप जान, हम तुम्हारे यहाँ पर मक्का, तुम्हें मक्का इस जावे यहाँ बुलाकर रहना, हमें जल्दी रहा चले चलो। मेरे अल्लाह, इज्जत आबरू तू ही देने वाला है। यकीनन मुझसे कोई गुनाह हुआ है जिसकी सजा। मेरे अल्लाह, इज्जत आबरू तू ही देने वाला है। यकीनन मुझसे कोई गुनाह हुआ है जिसकी सजा तू ही दे रहा है। इसे खाने में जहर दिया गया है, वो भी नामालूम किस्म का जहर। नहीं नहीं साहब, इन्हें कोई जहर नहीं दिया गया। आप पौष्टिक खुदा के वास्ते यहाँ से जाइए, वरना मरीज की और हालत खराब हो जाएगी। आप जाइए। नहीं नहीं साहब, इन्हें कोई जहर नहीं दिया गया। आप पौष्टिक खुदा के वास्ते यहाँ से जाइए, वरना मरीज की और हालत खराब हो जाएगी। आप जाइए, जाइए। हाय हाय, जहर खिला के तो तमाशा देख लिया। आप क्या उसके मरने का तमाशा देखने आई हो? कोई बाहर निकाल दो इसको। हम आपके आसान मंद हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी शान में कोई गुस्ताखी हो जाए। आप चली जाइए यहाँ से। एहसानों के बदले में हमारी बेटी की जान तो ले ली, अब क्या हमें खाने आई हो? चली जाओ यहाँ से। मंद हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी शान में कोई गुस्ताखी हो जाए। आप चली जाइए यहाँ से। एहसानों के बदले में हमारी बेटी की जान तो ले ली, अब क्या हमें खाने आई हो? चली जाओ यहाँ से। अपना मुंह काला करो, चली जाओ। क्यों बहन, कैसे होंगे? खैरियत पूछकर हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने आते। अपना मुंह काला करो, चली जाओ। क्यों बहन, कैसे होंगे? खैरियत पूछकर हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने आई हो? कब्रिस्तान पे फातिहा ही पढ़ने चले आना था ना, थोड़ी ही देर की मेहमान है। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। समझ में नहीं आता कि किस किस्म का जहर दिया गया है। अब इस जहर का इलाज दवा से नहीं, दुआ से होगा। आपा कब से बेहोश है, जैसे आपको पता ही नहीं। पहले जहर दिया और अब देखने आई हो कब खात्मा होता है। गुलशन, अपनी मलका को मौत के करीब देखकर कभी हम चुप नहीं रह सकते। आप यहाँ क्यों आई हैं? मेरे अल्लाह, और अब देखने आई हो कब खात्मा होता है। गुलशन, अपनी मलका को मौत के करीब देखकर कभी हम चुप नहीं रह सकते। आप यहाँ क्यों आई हैं? मेरे अल्लाह, मेरी जान ले ले और इन सब को अच्छा कर दे। तू सब कुछ जानता है खुदाया, मुझे सिर्फ तेरी जात पे भरोसा है। तू ये कैसा इम्तिहान ले रहा है मेरे अल्लाह? खुदाया, मुझे सिर्फ तेरी जात पे भरोसा है। तू ये कैसा इम्तिहान ले रहा है मेरे अल्लाह? जो कुछ भी दुख देने हैं मुझे दे, और इन सब को बचा ले या इन सब की मौत से पहले मुझे उठा ले। जो कुछ भी दुख देने हैं मुझे दे, और इन सब को बचा ले या इन सब की मौत से पहले मुझे उठा ले। तेरी शान जल
कर्म का मुझको भरोसा, तेरे कर्म का मुझको भरोसा। आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। माफ करने वाला तो सिर्फ खुदा है। देख उना फरमान, ये तेरी दूसरी शिकस्त है। अभी 5 मौके और हैं, देख लूंगी किसकी जीत होती है और किसकी हार। अभी 5 मौके और हैं, देख लूंगी किसकी जीत होती है और किसकी हार। तुम्हारी अक्ल हूँ, तुम्हारी आंखों से गफलत का पर्दा उठाना चाहती हूँ। जानती हो रोशनारा तुम्हारा तख्त यहाँ क्यों आई? मैं तुम्हारी अक्ल हूँ, तुम्हारी आंखों से गफलत का पर्दा उठाना चाहती हूँ। जानती हो रोशनारा तुम्हारा तख्त ताज छीनना चाहती है, और इसीलिए उसने तुम्हें जहर दिया था। एक बार से तो तुम बच गई, मगर कब तक बचोगी? यह गलत है। रोशनारा ताज छीनना चाहती है,
और इसीलिए उसने तुम्हें जहर दिया था। एक वार से तो तुम बच गई, मगर कब तक बचोगी? यह गलत है। रोशन आरा को तख्तो ताज की हौस नहीं, जो अपना सब कुछ राहे खुदा में लुटा रही हो, वो दूसरों के माल पे कैसे नजर रख सकती है? राहे खुदा आरा को तख्तो ताज की हौस नहीं, जो अपना सब कुछ राहे खुदा में लुटा रही हो, वो दूसरों के माल पे कैसे नजर रख सकती है? राहे खुदा वो अपना सब कुछ खत्म कर चुकी है, अब सखावत के नाम को कायम रखने के लिए उसे दौलत की जरूरत है, दौलत की। मेरा काम है समझाना और तुम्हारा काम है समझना। याद रखो, अगर अब भी आंखें न खुली तो जिंदगी भर पछताओगी। चाह हम तुम्हारा यकीन नहीं करते हैं, समझाना और तुम्हारा काम है समझना। याद रखो, अगर अब भी आंखें न खुली तो जिंदगी भर पछताओगी। चाह हम तुम्हारा यकीन नहीं करते। तुम तो मेरा यकीन उस वक्त करोगी जब वो तुमसे उसको भी छीन लेगी जिसे तुमने दिल में बसा रखा है। कौन है वो? वो देखो। है? गायब हो गए? आखिर ये कौन थी जो इस कदर सच हाल बता गई? क्या सचमुच हमारी अकल थी? क्या हम अकल से काम नहीं ले रहे? क्या रोशनारा तख्तो ताज के साथ हमारे दिल का करार भी छीन लेना चाहती? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये जरूर बदी थी। क्या रोशनारा तख्तो ताज के साथ हमारे दिल का करार भी छीन लेना चाहती? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये जरूर बदी थी जो हमें बहकाने आई थी। मलिका साहिबा आज क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी राजदार कनीज बहन से ज्यादा हमदर्द होती है मलिका साहिबा। तो ये राज तुम तक ही रहे। बता, क्या रोशन आरा हमसे तख्तो ताज छीन लेना चाहती? क्या वो उससे भी छीन लेना चाहती जिसकी मोहब्बत से हमने अपने दिल की दुनिया आबाद की है? आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली मलिका साहिबा। उन्होंने ना चाहती, क्या वो उससे भी छीन लेना चाहती जिसकी मोहब्बत से हमने अपने दिल की दुनिया आबाद की है? आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली मलिका साहिबा। उन्होंने इसीलिए आपको जहर दिया था कि आपके सर का ताज और दिल का सरताज दोनों हासिल करने में कामयाब हो सके। उन्होंने मुझे भी अपने साथ मिलाना चाहा था। क्या कह रही हो तुम? सच कहती हूँ मलिका साहिबा। आप जहर की हालत में बिस्तरे मरक पर थी और उन्होंने आके मुझे बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया। मेरे मुंह में खाक, कहती थी आपकी मौत को राज रखा जाए, मुंह मांगा इनाम पाओगी। मगर इस कनीज ने वफादारी का दामन नहीं छोड़ा और उनका साथ देने से साफ इनकार कर दिया। वो आपको बर्बाद कर देने पर तुली हुई है, आपके दिल का करार छीन लेना चाहती है, तख्तो ताज के अलावा शहजादा तुरान से भी आपको महरूम रखना चाहती है। तेरे दर पे आए सवाली लेकर झोली खाली। तेरे तेरे दर पे आए सवाली लेकर झोली खाली। तेरे दर पे आए सवाली भर दे झोली खाली। हाँ। ये किसकी सदा है जीनत? देखना है कौन सदा लगा रहे हैं। झोली भर दे, उम्मीदें पूरी कर दे। सवालियों, तुम्हें बुलाया है? बुलाया है? अरे सवाल की तासीर। हाँ, सवालियों, तुम्हें बुलाया है? बुलाया है? अरे सवाल की तासीर। हाँ, सवालियों, भीख मांग ली। सवालियों, भीख मांगने का सिलसिला
मेरे अब्बा के जमाने में ही खत्म हो चुका था। तुम कौन हो और कहां से आए हो? क्या सवाल है तुम्हारे का सिलसिला? मेरे अब्बा के जमाने में ही खत्म हो चुका था। तुम कौन हो और कहां से आए हो? क्या सवाल है तुम्हारे? हमने बुजुर्गों से सुना है कि तुम्हारे बाप कॉल के पक्के थे, सवालियों को सवाल करने से पहले कॉल दिया करते थे। क्या तुम भी हमें कॉल दे सकती हो? दिले जान से। सोच लीजिए, सवाली का सवाल अनोखा है। अगर कोई सवाली मुझसे जान भी मांगे तो मैं खुशी से दे सकती हूँ। और अगर सवाली आपसे आपको ही मांग ले तो? मुझे कोई उजर ना होगा, मगर सवाली को ये मालूम होना चाहिए कि मेरे दम से ही मेरे अब्बा की सखावत कायम है। अपने आप को तुम्हारे हवाले करके मुझे सखावत का दरवाजा बंद करना पड़ेगा कि मेरे दम से ही मेरे अब्बा की सखावत कायम है। अपने आप को तुम्हारे हवाले करके मुझे सखावत का दरवाजा बंद करना पड़ेगा। एक दरवाजा बंद होता है तो खुदा कई दरवाजे खोल देता है। अगर तुम अपने आप को खुदा के नाम पर सवाली के सुपुर्द कर दोगी तो सखावत के कई दरवाजे खुल जाएंगे। तो फिर खुदा के नाम पर मैं अपने आप को आपके सुपुर्द कर दूं? पहले पूछ तो लीजिए सवाली है कौन कि कई दरवाजे खुल जाएंगे। तो फिर खुदा के नाम पर मैं अपने आप को आपके सुपुर्द कर दूं? पहले पूछ तो लीजिए सवाली है कौन? मैं जानती हूँ। जानती हैं? बताइए हम कौन हैं? खुदा के नेक बंदे, मेरे लिए बस इतना ही जानना काफी है। रोशनारा, तुमने खुदा पर भरोसा किया है इसलिए हम अपने आप को छुपा कर तुम्हें फिक्र में नहीं डालेंगे। तुमने खुदा पर भरोसा किया है इसलिए हम अपने आप को छुपा कर तुम्हें फिक्र में नहीं डालेंगे। सवाली तूरान का शहजादा सलीम है, तुम्हारी तारीफ सुनकर तुम्हें देखने आया है। जितनी तारीफ आपकी सुनी थी उससे ज्यादा कहीं आपको पाया है। तारीफ के लायक सिर्फ उस खुदा की जात है। अलबत्ता मुझे इस वक्त अपनी किस्मत पर नाज है। हमें भी तुम्हें पाकर नाज है। तारीफ के लायक सिर्फ उस खुदा की जात है। अलबत्ता मुझे इस वक्त अपनी किस्मत पर नाज है। हमें भी तुम्हें पाकर नाज है। हम अनकरीबन तुम्हारी बहन से मिलकर गुफ्तगू करेंगे। सबकी मुराद तूने जल्दी से पूरी की और इनकी बार तूने इतनी देर क्यों की? कमाल आया है अपना कमाल दिखाने, जमाल चला गया है बकरियां चराने। बेखबर जाग, बेखबर जाग, बेखबर जाग। सुना कर भेष वकील ना दे दर पे आए है सवाली। अरे इज्जत रखना, कहीं चले ना जाए खाली। क्या बात है, आज सवालियों पर सवाली चले आ रहे हैं। जीनत, उन सबको यहाँ बुला लाओ। अच्छा, हम रुख्सत होते हैं, मगर ये ख्याल रहे तुम हमारी अमानत हो, अपने आप को किसी और को न देते। उन सबको यहाँ बुला लाओ। अच्छा, हम रुख्सत होते हैं, मगर ये ख्याल रहे तुम हमारी अमानत हो, अपने आप को किसी और को न दे देना। अपने साथ आपको मिलाकर तो दे सकती हूँ। इसका तुम्हें अख्तियार है। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सुभान तेरी कुदरत। सवालियों का सवाल नहीं, नून तेल अदरक। तो फिर क्या सवाल है तुम्हारा? सवाल कुछ नहीं है, जहाँ हुस्न को देखा वही मुंह से निकला। सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। कुदरत के दिए हुए हुस्न को ढक रख। सवालियों का सवाल, हुस्न को देखा वही मुंह से निकला। सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। कुदरत के दिए हुए हुस्न को ढक रख। सवालियों का सवाल नहीं, नून तेल अदरक। तो फिर क्या सवाल है तुम्हारा? लब पे किसी का नाम है, दिल का बुरा हाल है, ये भी पता नहीं कौन सा दिन है, कौन सा महीना है, कौन सा साल है। कहो कैसे आई हो? आपा जान तो खैरियत से है? जी खैरियत से है। आपको बुलाया? कौन सा महीना है, कौन सा साल है? कहो कैसे आई हो? आपा जान तो खैरियत से है? जी खैरियत से है। आपको बुलाया है, फौरन चलिए। क्यों, क्या बात है? मुझे नहीं मालूम। अच्छा चलती हूँ। फरहत, सवाली जो मांगे उन्हें दे देना। है, फौरन चलिए। क्यों, क्या बात है? मुझे नहीं मालूम। अच्छा चलती हूँ। फरहत, सवाली जो मांगे उन्हें दे देना।
चाहिए तुम्हें? इन्हें नहीं, अब मुझे चाहिए, इनका सवाल तो गया। बोलो ना, क्या चाहिए तुम्हें? हाय हाय, मुझे हुस्न की खैरात चाहिए, इश्क की ज़कात चाहिए, प्यार का वादा और मोहब्बत। बोलो ना, क्या चाहिए तुम्हें? हाय हाय, मुझे हुस्न की खैरात चाहिए, इश्क की ज़कात चाहिए, प्यार का वादा और मोहब्बत की बात चाहिए। बोलो 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 बोलो। हाय रोशन जमीर, ये भी गई। अबे चुप, जहाँ तू होगा वहाँ यही हाल होगा। आए थे बनकर सवाली और जा रहे हैं दोनों हाथ खाली। अब आप गाइए कवाली और मैं बजाता हूँ ताली। आपा जान की खिदमत में बंदी आदाब बजा लाती है। तुम जितना हमारा अदब करती हो हम जानते हैं, इस तरह चापलूसी करके अपने गुनाह पर पर्दा डाल रही हो। यह आप क्या फरमा रही हैं? शायद आपको किसी ने मेरी तुम जितना हमारा अदब करती हो हम जानते हैं, इस तरह चापलूसी करके अपने गुनाह पर पर्दा डाल रही हो। यह आप क्या फरमा रही हैं? शायद आपको किसी ने मेरी तरफ से बदगुमान कर दिया होगा। हमने बतहरी कोशिश की कि तुम्हारी तरफ से बदगुमान ना हो और जहर देने वाले वाक्या को एक झूठा अफसाना समझकर भुला दे। जिससे बदगुमान कर दिया होगा। हमने बतहरी कोशिश की कि तुम्हारी तरफ से बदगुमान ना हो और जहर देने वाले वाक्या को एक झूठा अफसाना समझकर भुला दे, मगर हमारी अक्ल और साथियों ने हमें मजबूर किया कि हम तुम्हें भुला कर पूछे तुमने हमें जहर क्यों दिया। मैंने जहर नहीं दिया और न जहर देने का वाक्य अब तक मेरी समझ में आया है। इस तरह मुकर जाने से तुम अपने गुनाहों पर पर्दा नहीं डाल सकती हो। क्या हमें जहर देकर तुम्हारा मतलब ताज संभालना नहीं था? हरगिज नहीं। क्या तुम अपनी सखावत का नाम हमारी जान माल से कायम रखना नहीं चाहती थी? बिल्कुल नहीं। क्या तुमने हमारे खिलाफ हमारे कनीजों को नहीं भड़काया? क्या आप यकीन करती हैं कि मैंने ऐसा किया होगा? हाँ हम यकीन करते हैं और ये भी यकीन करते हैं हमारे खिलाफ हमारे कनीजों को नहीं भड़काया। क्या आप यकीन करती हैं कि मैंने ऐसा किया होगा? हाँ हम यकीन करते हैं और ये भी यकीन करते हैं कि तुम हमारे साथ कई और जानों को लेकर हमारी मौत को एक हादसा बना देना चाहती थी। क्या यह गलत है? बिल्कुल गलत है। क्या यह भी गलत है कि तुम हमारे साथ कई और जानों को लेकर हमारी मौत को एक हादसा बना देना चाहती थी? क्या यह गलत है? बिल्कुल गलत है। क्या यह भी गलत है कि तुम तुरान के शहजादा सलीम को हासिल करना चाहती थी? इसके बारे में आप खुद तुरान के शहजादे से पूछ लीजिए तो ज्यादा मुनासिब है। हुजूर मलिका साहबा, तुरान से सफीर, तुम तुरान के शहजादा सलीम को हासिल करना चाहती थी? इसके बारे में आप खुद तुरान के शहजादे से पूछ लीजिए तो ज्यादा मुनासिब है। हुजूर मलिका साहबा, तुरान से सफीर आया है और शर्फ मुलाकात चाहता है। उसे बिठाओ, हम आते हैं। हमारे आने तक ये यहाँ से जाने ना पाए। हुजूर मलिका शाहबाद मालिक हुस्न खुदादार तशरीफ ला रही हैं। हुजूर मलिका साहबा की खिदमत में आइए गुलाम करने की बजाय लाने की बात आइए खत पेश कर। डरता क्यों है, चल आगे। रेहाना खिदमत में आइए गुलाम करने की बजाय लाने की बात आइए खत पेश कर। डरता क्यों है, चल आगे। रेहाना खत पढ़ कर सुनाया जाए। अदब सिखाओ, हाथ नीचे रखना। मैं जाने बादशाह तुरान, खत पढ़ कर सुनाया जाए। अदब सिखाओ, हाथ नीचे रखना। मैं जाने बादशाह तुरान, शाह आबाद की मलिका को शाह तुरान सलामती पेश करता है और ये पैगाम देते हैं कि वली अहद तुरान ने रोशनारा को देखा है और हजार जान से शेफ्ता और फरेश्ता है। शाह आबाद की मलिका को शाह तुरान सलामती पेश करता है और ये पैगाम देते हैं कि वली अहद तुरान ने रोशनारा को देखा है और हजार जान से शेफ्ता और फरेश्ता है। इसीलिए उसकी ख्वाहिश और हमारी मर्जी है कि उन दोनों की जल्द से जल्द शादी हो जाए। हमें उम्मीद है कि मलिका समझदारी से काम लेते हुए शादी की तारीख भेजकर तुरान और शाह आबाद को टकराने से बचाएंगी। या तो शहजादा सलीम का रिश्ता मंजूर कीजिए या जंग का नकारा बजवा दीजिए। फकत मोहर और दस्तखत शाह तुरान। जो तोहफे तुरान से ये लाए हैं ले लो और जवाब लिख दो हमें ये रिश्ता मंजूर। कामरानी महीने की 17 तारीख को बारात लाई जा सकती।
मलिका साहबा, जवाब लिखकर आप क्यों अपने नाजुक हाथों को तकलीफ दे रही है? हाँ, हाँ, हाँ। हम आपका पैगाम जबानी कहेंगे, हाँ? हमारी जबान बहुत चलती है, है? और फिर आपका पैगाम देते हुए क्या हमारी जबान घिस जाएगी? नहीं, क्यों हमारा? हाँ, ठीक है, रोशन, तुरान के शहजादे से तुम्हारी कहाँ मुलाकात हुई थी? जी, वो मेरे गरीब खाने पर खुद तशरीफ लाए थे। खुद आए थे या तुमने बुलाया? रोशन, तुरान के शहजादे से तुम्हारी कहाँ मुलाकात हुई थी? जी, वो मेरे गरीब खाने पर खुद तशरीफ लाए थे। खुद आए थे या तुमने बुलाया था? इसके बारे में भी अगर आप खुद शहजादा तुरान से पूछ लें तो ज्यादा बेहतर होगा। हम तुमसे पूछते हैं, बगैर हमसे दरियाफ्त किए हुए शहजादा को गिरफ्तार मोहब्बत क्यों किया? अब हर चीज आईने की तरह हमारे सामने है। तुम शहजादे को बराबरी का दर्जा दिखाना चाहती थी, इसलिए हमारी जान लेनी चाहिए। शहजादा को गिरफ्तार मोहब्बत क्यों किया? अब हर चीज आईने की तरह हमारे सामने है। तुम शहजादे को बराबरी का दर्जा दिखाना चाहती थी, इसलिए हमारी जान लेनी चाहिए। तुम तुरान की मलका बनने का ख्वाब देख रही थी, इसलिए तख्त पर कब्जा करना चाह। बेरहम, तुमने बहन के एहसास की भी कदर न की, तुमने उसके रुतबे को भी ना पहचाना। आज से हम हुक्म देते हैं, तुम इस महल में नजर बंद रहोगी। आपा जान, यह आप क्या कर रही हैं? मेरे साथ बहुत से आदमियों की जरूरतें वाबस्ता हैं, मुझे जाने दीजिए। गुलशन, रेहाना, मैं, अंजुमन, रोशन पर पहरा रखा जाए। ए, अगर मैं तुझसे पूछूं तू यहाँ क्यों आई है तो तू यही कहेगी ना रोशन बेगम से मिलने आई। तो तू क्या समझती है मैं तुझसे मिलने आऊंगी? मुझसे मिलने आएगी तू तो क्या मैं तुझसे मिलूंगी? तुझसे मिलने आए मेरी जूती। देख, जबान संभाल। मलका ने रोशन बेगम को खाली नजर बंद किया, मगर मैं तुझको पूरा गिरफ्तार करा दूंगी। जानती है मैं कौन? मैं मलका की खास कनीज। हाय अल्लाह, मेरी रोशन बेगम को गिरफ्तार करा दिया, क्यों? खाने में जहर मिला के मलका की जान लेनी चाहिए और अब कहती है हाय अल्लाह, मेरी रोशन बेगम को गिरफ्तार करा दिया। अरे वो तो मलेका थी मलेका, अगर उनकी जगह मैं होती तो फांसी दे देती फांसी। जा, चली जा यहाँ से। जा, चली जा यहाँ से। आप लोग खाना क्यों नहीं खाते? खाना खिलाने वाली जब तक अपनी जबान से खाना खाने को नहीं कहेगी, हम लोग कैसे खा सकते हैं? खाना खिलाने वाली को तो मलिका ने नजर बंद कर लिया है। किस जुर्म में? मलिका को जहर देने की जुर्म में। रोशन बेगम ने किसी को जहर नहीं दिया, वो तो हमारे अपने बेहुदा ख्यालों का। मलिका ने नजर बंद कर लिया है। किस जुर्म में? मलिका को जहर देने की जुर्म में। रोशन बेगम ने किसी को जहर नहीं दिया, वो तो हमारे अपने बेहुदा ख्यालों का नतीजा था कि हमने ऐसी हस्ती पर इल्जाम लगाया जो काबिले परस्तिश है। मलिका यकीनन रोशन बेगम की हर दिल अजीजी पर जल गई है और इसीलिए उन्हें नजरबंद किया है। नतीजा था कि हमने ऐसी हस्ती पर इल्जाम लगाया जो काबिले परस्तिश है। मलिका यकीनन रोशन बेगम की हर दिल अजीजी पर जल गई है और इसीलिए उन्हें नजरबंद किया है ताकि उन्हें चुपके से मार दें। हम इससे पहले मलिका को मार डालेंगे। हमने रोशन बेगम पर एक दिन जहर का इल्जाम लगाकर उनकी तौहीन की थी, आज शहबाद के तख्त पर रोशन बेगम को बिठाकर उस तौहीन का बदला चुका देंगे और मलका को तख्त से हटा देंगे। चलो भाइयों। हम मलका को मारेंगे। अरे लोगों, क्यों अकल के पीछे लाठी लेकर पड़े हुए हो? अभी फौज बुलवा के गोली चलवा दूंगी, गोली। मलिका साहिबा गदर हो गया, लोग मेरे मुंह में खाक आपकी जान लेने पर फुले हुए हैं, क्या बक रही हो? मलिका साहिबा, मलिका साहिबा, मलिका साहिबा गदर हो गया, लोग मेरे मुंह में खाक आपकी जान लेने पर फुले हुए हैं, क्या बक रही हो? बक नहीं रही हूँ, महल के कई दरवाजे टूट चुके हैं, जल्दी जान बचाइए। मलिका साहिबा, मलिका साहिबा, मलिका साहिबा, आपने रोशन बेगम को नजर बंद करके मुसीबत मोल ले ली है। अच्छी, चलिए, बात नहीं रही हूँ, महल के कई दरवाजे टूट चुके हैं, जल्दी जान बचाइए।
मलिका साहबा, आपने रोशन बेगम को नजर बंद करके मुसीबत मोल ले ली है। अच्छी चलिए और आप ही चलकर उनसे कहिए कि साहब को ठंडा करें। रोशनारा हमारी मलका है। दारा मलका साहबा, रोशन बेगम के पास चलिए। उसके पास जाने से तो ये अच्छा होगा कि हम यहाँ से भाग जाए। तमाम रास्ते बंद हैं, महल चारों तरफ से घिरा हुआ है। हाय, शायद बड़ा दरवाजा भी टूट गया। उसके पास जाने से तो ये अच्छा होगा कि हम यहाँ से भाग जाए। तमाम रास्ते बंद हैं, महल चारों तरफ से घिरा हुआ है। हाय, शायद बड़ा दरवाजा भी टूट गया। बचाओ, अच्छी रोशन बेगम, लोग महल पर चढ़ाए हैं, मलिका की जान लेना चाहते हैं। अच्छी जल्दी चलो, मलिका की जान खतरे में है। चलो मलिका को मारने से पहले मुझे मार दो। चलो मलिका को मारने से पहले मुझे मार दो, मैं उनकी बहन हूं। तुम मुझको नहीं मार, मैं उनकी बहन हूं। तुम मुझको नहीं मारते, क्यों? इसके मायने यह है कि तुम मेरी बात मानते हो। बोलो, जवाब दो। तुम लोग क्यों? इसके मायने यह है कि तुम मेरी बात मानते हो। बोलो, जवाब दो। तुम लोग मेरी बात मानोगे? हाँ, हम लोग आपकी बात जरूर मानेंगे। क्यों भाइयों? जरूर मानेंगे। तो सुनो, किसी से ऐसी चीज मत लो जिसके देने की तुम्हें ताकत ना हो। जान खुदा देता है, तुम उसे लेना चाहते हो? खुदा के जिसके देने की तुम्हें ताकत ना हो। जान खुदा देता है, तुम उसे लेना चाहते हो? खुदा के कानून को ठुकराते हो? जिंदा रहो और जिंदा रहने दो। किसी को मुल्जिम ठहराने से पहले अपने आप को देखो। जितना गुनाह तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। ये बताइए, मलका ने आपको किस गुनाह में नजरबंद किया है? बहन बहन को नजरबंद कर ले तो नजरबंदी नहीं कहलाती। शादी से पहले हर लड़की के बुजुर्ग उसे नजरबंद कर लिया है। बहन बहन को नजरबंद कर ले तो नजरबंदी नहीं कहलाती। शादी से पहले हर लड़की के बुजुर्ग उसे नजरबंद कर लेते हैं। जाओ, मैं तुमसे ज्यादा दिनों दूर नहीं रहूंगी। शादी की बात है भाई, शादी की बात है। शादी की बात। बेटे सलीम, रोशनारा के बारे में तुम्हारी क्या राय? अब्बा हुजूर, रोशनारा को वहां की रियाया आने नहीं देगी। लड़की पराई मिल्कियत हुआ करती है, रफ्ता रफ्ता माँ बाप को भी सब्र आ जाता है, रियाया को भी आ जाएगा। जी हाँ, मैंने इसी आने नहीं देगी। लड़की पराई मिल्कियत हुआ करती है, रफ्ता रफ्ता माँ बाप को भी सब्र आ जाता है, रियाया को भी आ जाएगा। जी हाँ, मैंने इसीलिए हुजूर शहनशाह की तरफ से खत लिखकर मलका शाहबाद से रोशनारा की शादी की मंजूरी ले ली। रोशनारा की शादी करने के लिए असलम से मंजूरी लेना जरूरी है। असलम, तुम मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा रहे हो और आप मेरे छोटे होने का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। असलम, जुबान बंद करो। जब तक हम मौजूद हैं शादी सलीम की होगी। अब्बा जान, जब तक असलम के हार में तलवार मौजूद है शादी असलम से होगी। हम हुक्म देते हैं। अब्बा हुजूर, अगर इसको तलवार पर नाज है तो इसका फैसला तलवार से ही किया जाएगा। Thank you.
मुकावलत पे तूने जख्म खा लिया ना। मेरे बच्चे कामों कावलच पे तूने जख्म खा लिया ना। क्या जख्म गहरा है? यहाँ से ज्यादा कहीं और जख्म गहरा है। असलम, तुम लड़ाई में हार चुके हो बेटा, अब बहादुर की तरह। जख्म गहरा है? यहाँ से ज्यादा कहीं और जख्म गहरा है। असलम, तुम लड़ाई में हार चुके हो बेटा, अब बहादुर की तरह तुम्हें अपने भाई के रास्ते से हट जाना चाहिए। तुम्हें अपने भाई के रास्ते से हट जाना चाहिए। हमने छोटे भाई का दिल तोड़कर अच्छा नहीं किया। भाई की होने वाली बीवी ने जख्म अंदर मारा और भाई ने बाहर। सरकार, मैं कहता हूँ कि कौवा परी को अपनाओ और दुनिया के गम भूल जाओ। मोटे, कैसे भूल जाऊं? जितना भूलने की कोशिश करता हूँ उतनी ही याद आती है। तो एक तरकीब बताऊं? बताओ क्या है। आपके और शहजादे की लड़ाई बादशाहों की लड़ाई है। और जब उतनी ही याद आती है। तो एक तरकीब बताऊं? बताओ क्या है। आपके और शहजादे की लड़ाई बादशाहों की लड़ाई है। और जब बादशाह लोग बहादुरी से नहीं जीत पाते हैं तो सरकार मक्कारी के हथियार इस्तेमाल करते हैं। मोटे, बादशाह मैं नहीं, मेरे भाई हैं। मैं मर जाऊंगा मगर मक्कारी का वार नहीं करूंगा। मुझे अब अपने कलेजे पर पत्थर रखना होगा। बड़े भाई मेरे भाई हैं। मैं मर जाऊंगा मगर मक्कारी का वार नहीं करूंगा। मुझे अब अपने कलेजे पर पत्थर रखना होगा। बड़े भाई के होते हुए तुम्हें कलेजे पर पत्थर नहीं रखना होगा। असलम, शादी तुम्हारी होगी। भाईजान, भाईजान, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अब आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। मैं अपनी मंजिल तारीख कर लूंगा मगर आपकी मंजिल तारीख नहीं होने दूंगा। बेवकूफ ना बनो, हम तो मैं अब आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। मैं अपनी मंजिल तारीख कर लूंगा मगर आपकी मंजिल तारीख नहीं होने दूंगा। बेवकूफ ना बनो, हम तुम्हारा रास्ता साफ कर देंगे। छोटों का दिल रखना बड़ों का फर्ज होता है। जैसे जैसे बारात शाहबाद की तरफ बढ़ेगी तुम्हारी मंजिल रोशन होती जाएगी और हमारी तारीख। कहां फटकने के बाद हमारी नजर सलीम पर ठहरी। उसके दम से हमारी मंजिल रोशन हो गई। मेरी और आपकी मंजिल को खुदा ने एक ही चिराग से रोशन किया। मैं आपके हक में किनारा कश हो जाऊंगी। आपके अरमानों पे मैं अपनी मोहब्बत का खिला नहीं किया। मैं आपके हक में किनारा कश हो जाऊंगी। आपके अरमानों पे मैं अपनी मोहब्बत का खिला नहीं बनाऊंगी। खुदा आपको हमेशा आबाद रखे। खुदा हाफिज। चला सलीम का? नहीं आली जा, कोना कोना छान मारा। और दूसरा जाने का कहीं पता नहीं चला।
अल्लाह मेरे बच्चे को अमान दे। वो ऐसे थे तो नहीं जो खामखा किसी पर बिगड़ जाए, पर पता नहीं किस बात से नाराज होकर चले गए। हम जानते हैं वो क्यों चला गया। असलम, तो वो ऐसे थे तो नहीं जो खामखा किसी पर बिगड़ जाए, पर पता नहीं किस बात से नाराज होकर चले गए। हम जानते हैं वो क्यों चला गया। असलम, चलो तुम झूला बनो, असलम के सर से हरा बांध। अब्बा हजूर, आप मेरी तोहीन ना कीजिए। मुझे दूल्हा बनाकर सिरा बांधने की जगह मुझे मारकर मेरी लाश पर फूल चढ़ा दीजिए। मैं भाई का हक नहीं छीनूंगा, अपनी जान दे दूंगा। इस बात का तुम्हें पहले ख्याल करना। सिरा बांधने की जगह मुझे मारकर मेरी लाश पर फूल चढ़ा दीजिए। मैं भाई का हक नहीं छीनूंगा, अपनी जान दे दूंगा। इस बात का तुम्हें पहले ख्याल करना चाहिए। तुमने रोशन आरा को अपने दिल में बसाया, और जब तुम्हारा भाई तुम्हारा रास्ता साफ करके चला गया तो तुम हमें नीचा दिखाना चाहते हो। हम चाहिए तुमने रोशन आरा को अपने दिल में बसाया और जब तुम्हारा भाई तुम्हारा रास्ता साफ करके चला गया तो तुम हमें नीचा दिखाना चाहते हो। हम शाहबाद कॉल भेज चुके हैं और कॉल पूरा करने के लिए हम अपनी जान तक दे देंगे। मगर अब्बा हुजूर, अगर मगर की बात नहीं है, बोलो तुम हमारा कहना बहसियत बाप के मानते हो या बहसियत बादशाह के हम हुक्म दें। मैं मजबूर हूँ, ना बाप का कहना मान सकता हूँ ना बादशाह का हुक्म। बाप का कहना मानकर उनकी इज्जत रख लीजिए सरकार। और बाशियत बादशाह के हम हुक्म दें। मैं मजबूर हूँ, ना बाप का कहना मान सकता हूँ ना बादशाह का हुक्म। बाप का कहना मानकर उनकी इज्जत रख लीजिए सरकार। और बादशाह का हुक्म मानकर उनके कौल की इज्जत रख लीजिए। हाँ, हाँ कर दीजिए। आपके हाँ करने से सबके दिलों से गम की बदली हट जाएगी। हाँ। और सबके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ जाएगी। हाँ कर दीजिए। मगर बहादुर, हम मुझे माफ नहीं कर सकते। हम अपने कौल की कीमत औलाद से ज्यादा समझते हैं बेटा। हाल में भी रखे तेरी बंदी तेरा शुक्र। मेरे अल्लाह, तू जिस हाल में भी रखे तेरी बंदी तेरा शुक्राना अदा करती ही रहेगी। हो सकता है भूख और प्यास की तकलीफ से मेरी जान भी निकल जाए, मगर जब ये जान निकले तो साथ ईमान के निकले। बस इतनी सी मेरी दुआ, मगर जब ये जान निकले तो साथ ईमान के निकले। बस इतनी सी मेरी दुआ, कबूल फरमाना मेरे परवरदिगार। निकल गया काटा, अब तुम जाओ। मगर मेरे दिल में जो तूने काटा बोया है। लो निकल गया काटा, अब तुम जाओ। मगर मेरे दिल में जो तूने काटा बोया है वो कब निकलेगा? देखती हूँ कहाँ तक बचेगी। अल्लाह सबको बचाता है, अब तुम जाओ। वो कब निकलेगा? देखती हूँ कहाँ तक बचेगी। अल्लाह सबको बचाता है, अब तुम जाओ। क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? अच्छा चलो। आह, आह, मैं भूखी मरी।
बड़ी बी, खुदा से शिकवा करने से बजाय उसका शुक्र अदा करो। वो अपने नेक बंदों का इम्तिहान लेता है। बड़ी बी, खुदा से शिकवा करने से बजाय उसका शुक्र अदा करो। वो अपने नेक बंदों का इम्तिहान लेता है। लो ये दो फल हैं, मैं भी भूखी हूँ, एक तुम खाओ एक मैं खाऊं। नहीं नहीं, मुझे तो दोनों फल चाहिए। लो ये दो फल हैं, मैं भी भूखी हूँ, एक तुम खाओ एक मैं खाऊं। नहीं नहीं, मुझे तो दोनों फल चाहिए, बस बहुत दिनों की भूखी हूँ। अच्छा तो लो दोनों खा लो। मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, आज बहुत दिनों के बाद ये तेरी गुनाहगार बंदी की। मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, आज बहुत दिनों के बाद ये तेरी गुनाहगार बंदी किसी जरूरतमंद के काम आ सकी। मैं वजू करके शुक्राने की नमाज पढ़ूंगी। मेरे अल्लाह, तू आँख से वजू करवाना चाहता है, तेरी मर्जी, मैं आँख से ही वजू करूंगी। मेरे अल्लाह, तू आँख से वजू करवाना चाहता है, तेरी मर्जी, मैं आँख से ही वजू करूंगी। कमली वाले तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। काली कमली वाले तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। दुनिया से हो निराले तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। दुनिया से हो निराले तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। दुनिया से हो निराले तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। शाफाए महशर साकी कौसर, सारी खुदाई नाजा तुम पर। शाफाए महशर साकी कौसर, सारी खुदाई नाजा तुम पर। उम्मत के रखवाले तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। उम्मत के रखवाले तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। काली कमली वाले तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। काली कमली वाले तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम।
सजाने वाले तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। काली कमली वाले तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। हक नेट पे ने किया जब तुमको पैदा, नाम मोहम्मद तुमको बख्शा। हक ने किया जब तुमको पैदा, नाम मोहम्मद तुमको बख्शा। तुम हो अल्लाह वाले तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। तुम हो अल्लाह वाले तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। काली कमली वाले तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। तुम पे लाखों सलाम, रब ने तुम्हें महबूब बनाया, नूर से अपने तुमको सजाया। रब ने तुम्हें महबूब बनाया, भोली सूरत वाले तुम पे लाखों सलाम, नूर से अपने तुमको सजाया। भोली सूरत वाले तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। भोली सूरत वाले तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। भोली सूरत वाले तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। काली कमली वाले तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। काली कमली वाले तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। निकाह के वक्त काजी ने जब जहानारा का नाम लिया, पहले तो दिल को जरा सी ठेस पहुंची, फिर इत्मीनान हो गया कि खुदा ने लाज रख ली, भाई जान का हक नहीं मारा गया। वैसे ये मामला अच्छा ही रहा, ये मलका है, हुक्मरान है, तख्त संभालिए, और सरकार आधा शहर मुझको दे दीजिए। कसम है कौवा परी की, खेत के खेत लगा दूंगा। अबे हफीमी के बच्चे, कभी तो ढंग की बात किया कर। मैं भाईजान की तलाश में जा रहा हूँ, जहाँ किसी पर जाहिर ना होने पाए कि मैं चला गया। अरे कभी कभी तो कदरदानी की आप ऐसी मट्टी पलीत करते हैं कि दिल चाहता है कि कौवा परी की खुराक बढ़ाकर खा लूं और दुनिया से मुंह छिपा लूं। चलिए अगर आप कौवा परी की कदर नहीं करते तो नहीं सही, मगर मलका जी तो कदर कीजिए, नई नई दुल्हन है, फूलों को। चलिए अगर आप कौवा परी की कदर नहीं करते तो नहीं सही, मगर मलका जी तो कदर कीजिए, नई नई दुल्हन है, फूलों की सेज पे न जाने क्या क्या अरमान लिए हुए बैठी होंगी कि कब दूल्हा मियाँ आएंगे, वो शर्माएंगी और नाजो अदा दिखा के रोट जाएंगी, आप उसे मनाएंगे। जाइए जाइए ना। शबे वसाल है, उठ जाएंगी, आप उसे मनाएंगे। जाइए जाइए ना। शबे वसाल है, बुझा दो इन चिरागों को, खुशी की बज़्म में क्या काम जलने वालों का। इस
चराग की रोशनी के सामने, उन चरागों की हैसियत सूरज के सामने एक टिमटिमाते हुए दिए की है। आपको बनाना खूब आता है। निकाह के वक्त भी बजाय सलीम के नाम बदलकर असलम कहला दिए। मेरा नाम असलम ही है। सते हुए दिए की है। आपको बनाना खूब आता है। निकाह के वक्त भी बजाय सलीम के नाम बदलकर असलम कहला दिए। मेरा नाम असलम ही है। सलीम मेरे बड़े भाई हैं। क्या तू? तुमने हमें धोखा दिया है। हमसे शादी करके तुमने हमें धोखा दिया है। शुक्र कीजिए धोखा मैंने दिया। अगर तुम्हारी शादी भाई सलीम से हो जाती तो तुम अपने आप को धोखा देती, उस बहन को धोखा देती। शुक्र कीजिए धोखा मैंने दिया। अगर तुम्हारी शादी भाई सलीम से हो जाती तो तुम अपने आप को धोखा देती, उस बहन को धोखा देती जिसके दम से शहबाद रोशन है। मगर हम तुम्हें अपना शौहर कबूल नहीं करेंगे। तो फिर क्या करोगी? धोखेबाज हम तुम्हें। जिंदगी सारी की सारी धोखा है। अब तुम हर रोज धोखा दिया करना। जबान को काबू में रखो। तुम एक साहिब ताज से बातें कर रहे हो। अपने आप को काबू में रखिए। आप साहिब ताज के सरताज से बातें कर रही हैं। खामोश। हम तुम्हें अपना सरताज। जबान को काबू में रखो। तुम एक साहिब ताज से बातें कर रहे हो। अपने आप को काबू में रखिए। आप साहिब ताज के सरताज से बातें कर रही हैं। खामोश। हम तुम्हें अपना सरताज तस्लीम नहीं करते। मुझे सरताज तस्लीम न करके तुम गुनहगार हो रही हो। मुझे तुम्हारा सरताज कानून तस्लीम कर चुका है। शहबाद के लोग कर चुके हैं। तुरान से आए हुए सब के सब कर चुके हैं। दीन कर चुका है, दुनिया कर चुकी है और दुनिया के सारे मजहब कर चुके हैं। हम इनमें से किसी की पाबंद नहीं। तुमको पाबंद होना पड़ेगा। इससे पहले तुम्हें कैद होना पड़ेगा। जहां आरा के हाथ में ताकत है उसे धोखा देना आसान नहीं। खामद के सामने जबान चलाना अच्छा नहीं है। हुक्मरान को आंखें दिखाना अच्छा नहीं। जहां आरा हमें समझने की कोशिश करो। जहां आरा के हाथ में ताकत है उसे धोखा देना आसान नहीं। खामद के सामने जबान चलाना अच्छा नहीं है। हुक्मरान को आंखें दिखाना अच्छा नहीं। जहां आरा हमें समझने की कोशिश करो और खामद के रुतबे को पहचानो। इसका जवाब हम तुम्हें अभी देते हैं। इसे गिरफ्तार कर लो और हर वक्त हमारे सामने रखो। इसे गिरफ्तार कर लो और हर वक्त हमारे सामने रखो। जहानारा, क्या तुमने इसीलिए शादी की थी कि यही तुम्हारी मेहमान नवाजी? एक की तस्वीर दिखाना, दूसरे से शादी रचाना, ये दगाबाजी है। दुल्हन को बुलाओ, हम वजह बयान करेंगे। दुल्हन ये खुद अब्बा जान, शादी इन्होंने की। रोशनारा तो हम यहाँ देखा ही नहीं। तो दगाबाज तुम हो। क्या हमने सलीम की तस्वीर रोशन के लिए नहीं भेजी थी? क्या तुमने रोशन की बारात लाने को तारीख नहीं भेजी थी? तुमने अपनी बहन को धोखा दिया। तुम हो। क्या हमने सलीम की तस्वीर रोशन के लिए नहीं भेजी थी? क्या तुमने रोशन की बारात लाने को तारीख नहीं भेजी थी? तुमने अपनी बहन को धोखा दिया। तुमने आसमान पर थूका है जो तुम्हारे मुंह पर गिरा। शाह तुरान ये ना भूले कि वो शाहबाद में है और हमारे रहमो करम पे है। तुम्हें हुकूमत का गुरूर, ये ना भूलो तुम भी खुदा की जमीन पर हो और उसी के रहमो करम पर। कौन किसके रहमो करम पे है अभी पता चल जाएगा। सिपाहियों गिरफ्तार कर लो। शाबाश, तूने खुदा के मानने वालों का मुंह बिगाड़ दिया है जहां मैंने नीचा। शाबाश, तूने खुदा के मानने वालों का मुंह बिगाड़ दिया है जहां मैंने नीचा देखा था वहां तूने अपना झंडा गाड़ दिया है। जो कल तक थे ताजो तख्त के उम्मीदवार आज फिरते हैं जलील ओ खार। अब देखती हूँ उनको। देखा था वहां तूने अपना झंडा गाड़ दिया है। जो कल तक थे ताजो तख्त के उम्मीदवार आज फिरते हैं जलील ओ खार। अब देखती हूँ उनको। ईमान कैसे बचाता है और नेकी कैसे काम आती है। मैं नेकी को नीचा दिखाती हूँ या वो मुझे हराती है। ईमान पे चलने वालों का खुदा ईमान कैसे बचाता है और नेकी कैसे काम आती है। मैं नेकी को नीचा दिखाती हूँ या वो मुझे हराती है। ईमान पे चलने वालों का खुदा इस तरह इम्तिहान लेता है। दीन और दुनिया बख्श देता है उसको जिसको अपना जान लेता है। खुदा का नाम लेके जो दुख सहता है खुदा उसका एक दिन खुद हो जाता है। देखता हूँ कि तकलीफों में पड़कर
खुदा का नाम लेते हैं या शैतान का? सलीम और रोशन आरा ने थामा हुआ है ईमान, एक दिन खुद हो जाता है। देखता हूँ कि तकलीफों में पड़कर खुदा का नाम लेते हैं या शैतान का। सलीम और रोशन आरा ने थामा हुआ है ईमान का दामन, मैं ईमान के दामन की धज्जियां उड़ा दूंगी। मुसाफिर कहाँ जा रहे हो? जो मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंचकर आगे बढ़ जाए उसकी कोई मंजिल नहीं हुआ करती। अब जहाँ खुदा ले जाएगा वहीं जाना पड़ेगा। अगर तुमसे कोई कहे कि खुदा के रास्ते से हटकर चलो तो चलोगे? जब तक जान है हरगिज नहीं। अगर दुनिया भर के ऐश तुम्हारे कदमों में लाके डाल दिए जाएं तो? जब तक ईमान है कभी नहीं। तुम कौन हो जो खुदा के रास्ते से हमें हटाकर? अगर दुनिया भर के ऐश तुम्हारे कदमों में लाके डाल दिए जाएं तो? जब तक ईमान है कभी नहीं। तुम कौन हो जो खुदा के रास्ते से हमें हटाकर शैतान के रास्ते पे लगा रही हो? मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी। मुझे बहुत खुशी है कि तुम इस इम्तिहान में पूरे उतरे। वो देखो वो जो दरवाजा है ना, शैतान के रास्ते पे लगा रही हूँ। मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी। मुझे बहुत खुशी है कि तुम इस इम्तिहान में पूरे उतरे। वो देखो वो जो दरवाजा है ना, उसके अंदर चले जाओ, तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। तुम्हें क्या मालूम हमारी मुराद क्या है? मुझसे कोई बात छुपी हुई नहीं। याद रखो, अगर मेरी बताई हुई जगह उसके अंदर चले जाओ तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। तुम्हें क्या मालूम हमारी मुराद क्या है? मुझसे कोई बात छुपी हुई नहीं। याद रखो, अगर मेरी बताई हुई जगह पर नहीं गए तो उम्र भर पछताओगे। गायब हो गई। कौन थी? मैं कौन थी? जगह पर नहीं गए तो उम्र भर पछताओगे। गायब हो गई। कौन थी? मैं कौन थी? ये तुम्हें वहां जाकर मालूम होगा जहां जाने के लिए मैंने तुमसे कहा है। हमाहम पिरोशद्दर हमाहम इंगी वकता इंगी वका हमाहम हमाहम। मुझे जुल्फों की जंजीर में जकड़ कर रखा है और अपने आप को लोहे की जंजीर में। मुझे जुल्फों की जंजीर में जकड़ कर रखा है और अपने आप को लोहे की जंजीर में। इतनी नासमझी क्यों? मेरी बात मानो और अपनी मोहब्बत से मेरे दिल को आबाद करो, वरना ये मजबूत हाथ। तुम्हारे मजबूत हाथ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझको मेरे बाप से छुड़ाकर यहाँ कैद कर रखा है, तुम्हें बिजली गिरेगी। हाय हाय हाय, तुम गिर। तुम्हारे मजबूत हाथ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझको मेरे बाप से छुड़ाकर यहाँ कैद कर रखा है, तुम्हें बिजली गिरेगी। हाय हाय हाय, तुम गिर जाओ ना, लोग समझेंगे पीरू सरदार पर बिजली गिर गई। ठहरो बुजदिल, किस कौम ने कुछ बुजदिल को अपना सरदार चुना है? बुजदिल? और मैं? हाँ तू बुजदिल। अगर बुजदिल न होता तो एक बेकस लड़की पर यूं जुल्म न ढाता। किसने तुझे यहाँ भेजा? कौन है तू? तेरी मौत का फरिश्ता हूँ, मुझे खुदा ने भेजा है। एक बेकस लड़की पे हाथ उठाता है? हिम्मत है तो मेरे सामने आ। पीरू सरदार पर धौस जमाता है? भेजा है एक बेकस लड़की पे हाथ उठाता है? हिम्मत है तो मेरे सामने आ। पीरू सरदार पर धौस जमाता है? तुम फिक्र ना करो, हमारे साथ भी खुदा है। हम 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 हम। ये नौजवान बहादुर है और बहादुर की कुर्बानी से हमारे शिवबंद देवता खुश होते हैं। कल इसकी कुर्बानी शिवबंद देवता के सामने की जाए और उनसे नौजवान बहादुर है और बहादुर की कुर्बानी से हमारे शिवबंद देवता खुश होते हैं। कल इसकी कुर्बानी शिवबंद देवता के सामने की जाए और उनसे वो बीम मांग ली जाए जिसमें कि हमारी जान। अल्लाह अल्लाह। अरे भाई
मेरा बात सुनना। अरे चुप, तेरी बात सुनकर तेरी बीमारी को अपने आप को लगा लूं। अरे भाई मेरा बात सुनना। अरे चुप, तेरी बात सुनकर तेरी बीमारी को अपने आप को लगा लूं। ओ भैया, भाई मेरे जरा सा पानी घड़े में से उंडेल कर पिला देना मुझको। अब ऐसे बुढ़े घुसर, तुझे पानी पिला के तेरी बीमारी अपने आप को लगा लूं? लगे पानी 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 लो बाबा। पानी 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 लो बाबा, ये पानी पियो। तू कौन है बेटी? ये पानी पियो। तू कौन है बेटी? तुझे मुझसे घिन नहीं आई? सब खुदा के बनाए हुए इंसान है बाबा, इंसान को इंसान से घिन नहीं खानी चाहिए। तुझे मुझसे घिन नहीं आई? सब खुदा के बनाए हुए इंसान है बाबा, इंसान को इंसान से घिन नहीं खानी चाहिए। तुम कौन हो? तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है? मैं बड़ा दुखी हूँ बेटी, मैं बड़ा दुखी हूँ। पर वो नहीं बाबा, अगर मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूं तो कहो। मेरी भी एक तुम्हारी तरह बेटी है बेटे। तुम्हारे कुछ काम आ सकूं तो कहो। मेरी भी एक तुम्हारी तरह बेटी है बेटे, उसे हम कबीले का सरदार उठा कर ले गया है। कहाँ है वो? यहाँ से पूरब को जाओ तो एक मंजिल है, उस कबीले का सरदार बड़ा जालिम है। उसने शब्बन देवता के नाम से एक बुत बना रखा है, वो सब उसकी प्रस्तुति करते हैं। उनका ख्याल है कि उनकी जान देवता के नाम से एक बुत बना रखा है, वो सब उसकी प्रस्तुति करते हैं। उनका ख्याल है कि उनकी जान एक भीम में है। तुम्हें ये सब कैसे मालूम? मैं भी तो उन्हीं के कबीले में से हूँ, मगर चूंकि मैं खुदा परस्त हूँ मुझे उन्होंने निकाल दिया। एक दिन पीरू मुझ सोते हुए को सांपों से डसवा कर मेरी बेटी को उठा कर ले गया। न जाने उस पर वो क्या क्या जुल्म ढाता होगा। कौए को सांपों से डसवा कर मेरी बेटी को उठा कर ले गया, न जाने उस पर वो क्या क्या जुल्म ढाता होगा। दीन मेरे पास है बेटी, तू इसे ले जा। वो इसकी आवाज पर इस कदर नाचेंगे कि नाचते नाचते मर जाएंगे। तू ले जा इस दीन को बेटे, पर इस कदर नाचेंगे कि नाचते नाचते मर जाएंगे। तू ले जा इस दीन को बेटे। बनाने वाले तरह
हमका हमका दुनिया घर हमका 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 दुनिया घर हमका Thank you.
लड़की, ये लड़की मुझ पर तरस खा, ये बीन बजाना बंद कर। ये लड़की मुझ पर तरस खा, ये बीन बजाना बंद कर। एक शर्त पर बंद कर सकती हूँ। बोलो बोलो बोलो, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर। वादा करो कि अब किसी बेकस लड़की को नहीं सताओगे। एक शर्त पर बंद कर सकती हूँ। बोलो बोलो बोलो, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर। वादा करो कि अब किसी बेकस लड़की को नहीं सताओगे और न इंसानों की कुर्बानी दोगे। मैं आज से वादा करता हूँ कि किसी बेकस लड़की को नहीं सताऊंगा और ये कुर्बानी तो हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। आना मारा ताता हम हम। खुदा बहुत बड़ा है, यहाँ भी तेरी हार हुई है। अब बचा, इन्होंने अपने आप को खतरे में डालकर मुझे बचाया है और एक बिछड़ी हुई बेटी को बाप से मिला दिया है। बेटी, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगा। ये तो मेरा फर्ज था, बाप से मिला दिया है। बेटी, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगा। ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने पूरा किया। इंसान को इंसान के काम आना ही चाहिए। अच्छा, अब हम चलते हैं। खुदा हाफिज। जो मैंने पूरा किया, इंसान को इंसान के काम आना ही चाहिए। अच्छा, अब हम चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटी। आइए, अब आप बताइए, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? यही सवाल हम आपसे करते हैं, आप महल छोड़कर यहाँ कैसे आई? ये बात तो शादी की रात को ही आपको मालूम हो गई होगी। आपा जाने सब कुछ आपसे बता दिया होगा। आपसे करते हैं, आप महल छोड़कर यहाँ कैसे आई? ये बात तो शादी की रात को ही आपको मालूम हो गई होगी। आपा जाने सब कुछ आपसे बता दिया होगा। आपा ने? तो क्या शादी आपा की हुई है? आपकी नहीं हुई, आप जो इतने ताजुब में पड़ रहे हैं। ओहो, दरअसल बात ये हुई रोशन। पाने, तो क्या शादी आपा की हुई है? आपकी नहीं हुई, आप जो इतने ताजुब में पड़ रहे हैं। ओहो, दरअसल बात ये हुई रोशन कि असलम भी तुमको बहुत चाहता था, लेकिन हमारी मौजूदगी में असलम की शादी तुमसे नहीं हो सकती, इसलिए हम छोटे भाई के हाथ में सब कुछ छोड़कर चले। अजीब इत्तेफाक है, आपा जान आपको पसंद करती थी, उनके हक में छोड़कर मुझको आना पड़ा। कुर्बान जाइयो उस खुदा के जिसने हम तुम। आपा जान आपको पसंद करती थी, उनके हक में छोड़कर मुझको आना पड़ा। कुर्बान जाइयो उस खुदा के जिसने हम तुम दोनों को एक दूसरे की तकदीर बना दिया। मैं जाने शाहबाद में क्या हो रहा होगा। मलिका साहिबा, मोहब्बत का रोग लगा कि आपने अपने आप को भी मुसीबत में डाल रखा है और अपनी हमदर्द कनीजों को भी। अपने आप को संभालिए और नाच गाने से दिल बहलाइए। कुछ परदेसी बाहर नाचते फिर रहे थे, मैं उन्हें आपका दिल खुश करने के लिए बुला लाई हूँ। इजाजत है? हाँ। कुछ परदेसी बाहर नाचते फिर रहे थे, मैं उन्हें आपका दिल खुश करने के लिए बुला लाई हूँ। इजाजत है? Thank you.
का सदका लेने आया एक सवाली रे। होए तुझे कैद करा दूं, होए तुझे कैद करा दूं अपने से मेले में, तुझे कैद करा दूं अपने से मेले में, मैं तो आके लुट गई। के चलाए जुल्फे डाले जाल, आशिक बन के आया हूँ मैं सुन ले मेरा हाल। सर भी ले 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 मेरी जान, हो मुझे आज बहा दे, हाय मुझे आज बहा दे मौत के रेले में, हो मुझे आज बहा दे, हाय मुझे आज बहा दे मौत के रेले में, मुझे आज बहा दे मौत के रेले में। Thank you.
शिकस्त हुई। बोल क्या कहती है? कहूंगी नहीं, अब करके दिखा दूंगी। नेकी, अब मैं तेरे राह पर चलने वालों का नामो निशान मिटा दूंगी। सरकार, हमने बहुत पीछा किया मगर वो हाथ नहीं आए। नमक हरामो, चंद आदमी तुम लोगों से ना पकड़े गए, अगर कल वो फौज लेकर चाहे तो क्या करोगे? जाओ हमारे सामने से अपना मुंह काला करो। मुझे बचाओ, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। मुझे बचाओ, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, लुट गई। कौन मुसीबत ज़दा है? जालिम जंगलों में भी बेकसों पर जुल्म ढाने से बाज नहीं आते। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। कौन मुसीबत ज़दा है? जालिम जंगलों में भी बेकसों पर जुल्म ढाने से बाज नहीं आते। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। मुझे बचाओ, मैं बर्बाद हो गई। चलो यहाँ से, अब तो देर हो रही है। जी नहीं चाहता बन्नो, हमारा तो कोई पूछने वाला नहीं ना कोई रोने वाला। तुम्हारे वो जल्दे हो बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। ऐसे ही था तो शादी क्यों की थी? गलती हो गई, अब नहीं करूंगी। अब कोई करने देगा तो करोगी ना? छोड़ो ये बातें, चलो बाहर चलकर शिकार खेले। अरे आ, शिकार तो यही चला आ रहा है। तुम सब यही ठहरो, मैं भी आई। तुम रो रही थी? नहीं तो, ये दिल रो रहा था। क्यों? तुम्हारे लिए। तुम कहीं शैतान तो नहीं हो जो दूसरा रूप इख्तियार करके आई हो? शैतान तो नहीं, अलबत्ता शैतान ये जरूर करती है। हाँ, तुम कहीं शैतान तो नहीं हो जो दूसरा रूप इख्तियार करके आई हो? शैतान तो नहीं, अलबत्ता शैतान ये जरूर करती है। हाँ, ये तो बताओ कि तुम कौन हो? कोई भी हो लेकिन देखने में खूब हो। क्या हम पूछ सकते हैं तुम कौन हो? मैं? ये तो बताओ कि तुम कौन हो? कोई भी हो लेकिन देखने में खूब हो। क्या हम पूछ सकते हैं तुम कौन हो? मैं जलपरी हूँ और मेरा शौहर समंदर का बहुत बड़ा देव है। चुपचाप चले आओ, नहीं तो। जैसी बातें तुम हमसे कर रही हो अपने शौहर से जाके करो। नहीं, हम तो तुमसे। तुम औरत हो, हमें मजबूर ना करो हम तुम पर हाथ उठाएं। चलो ये बात कर रही हो अपने शौहर से जाके करो। नहीं, हम तो तुमसे। तुम औरत हो, हमें मजबूर ना करो हम तुम पर हाथ उठाएं। चलो ये बात भी मान ही लेते हैं।
ये कैसी मुसीबत आई है? रोशन अकेली जंगल में पड़ी है, मेरे अल्लाह उसकी हिफाजत करना। सलीम, सलीम, कहाँ हो तुम? कहाँ छुप गए? आओ ना, कहाँ हो तुम? कहाँ छुप गए? आओ ना, सलीम, सलीम। दिल था मासूम, मोहब्बत ने सुनागा रुकिया, फंस के फंदे में तेरे तुझको गिरता रुकिया।
गाना भी और तुम भी बुरी नहीं हो तो फिर आजाद होकर मुझे अपना लो मगर तुमको कोई अपना चुका है तुम उसकी फिक्र ना करो वो देख थोड़ी रहा है वो नहीं देख रहा तो क्या हुआ खुदा तो देख रहा है तुम तो फजूल की बातें करने लगे हो खुदा आकर किसी का हाथ थोड़ी पकड़ता है वो देख थोड़ी रहा है वो नहीं देख रहा तो क्या हुआ खुदा तो देख रहा है तुम तो फजूल की बातें करने लगे हो खुदा आकर किसी का हाथ थोड़ी पकड़ता है ठीक है वो हाथ नहीं पकड़ता लेकिन कोई न कोई जरिया जरूर बना देता है जिससे गुनाहों की रोकथाम होती है क्या हम तुमसे पूछ सकते हैं तुम खुदा को मानती हो हाँ हाँ तो अब ये बताओ क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि अपने शौहर के सामने हमारी आगोश में आ बैठो तुम खुदा को मानती हो हाँ हाँ तो अब ये बताओ क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि अपने शौहर के सामने हमारी आगोश में आ बैठो नहीं नहीं मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है अगर तुम अपने शौहर के सामने किसी गैर मर्द की आगोश में आने की हिम्मत नहीं कर सकती तो फिर खुदा के सामने गैर आदमी की नहीं नहीं मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है अगर तुम अपने शौहर के सामने किसी गैर मर्द की आगोश में आने की हिम्मत नहीं कर सकती तो फिर खुदा के सामने गैर आदमी की आगोश में आने की कैसे हिम्मत पैदा हुई तुम शादीशुदा हो शादीशुदा हर मर्द औरत का फर्ज है कि वो एक दूसरे के होकर रहे शाबाश आज नागोश में आने की कैसे हिम्मत पैदा हुई तुम शादीशुदा हो शादीशुदा हर मर्द औरत का फर्ज है कि वो एक दूसरे के होकर रहे शाबाश आज नवी नौजवान शाबाश हम तुम्हारे जज्बात की कदर करते हैं तुमने गुमराह को अच्छा सबक सिखाया है और साथ में हमको भी ये हमारे ही गुनाहों का फल है कि हमारी औरत खराब है क्योंकि हम खुद खराब हैं इसलिए हम आज से अहद करते हैं कि सिवाय बीवी के दुनिया की हर औरत को अपनी माँ और बहन समझेंगे तो मैं भी अहद करती हूँ कि खामिन के अलावा हर मर्द को अपना भाई समझूंगी खुश रहो और हमें अब पानी के बाहर पहुँचा दो भाई जान मैं आपको इज्जत तो मैं भी अहद करती हूँ कि खामिन के अलावा हर मर्द को अपना भाई समझूंगी खुश रहो और हमें अब पानी के बाहर पहुँचा दो भाई जान मैं आपको इज्जत के साथ बाहर पहुँचा दूंगी देख ये तेरी और हार हुई है गुमराह अब भी माँ के साथ वहां पहुंचा दूंगी देख ये तेरी और हार हुई है गुमराह अब भी मान जा तेरी मानकर अपना नामो निशान मिटा दूं मैं अभी और आजमाऊंगी और एक दिन तुझको जरूर हराऊंगी सलीम सलीम खुदा के लिए आ जाओ सलीम मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गई खुदाया तेरे नाम पर एक दिन मैंने अपने आप को सलीम के हवाले किया था खुदाया तेरे नाम पर एक दिन मैंने अपने आप को सलीम के हवाले किया था जब शरीफ औरत किसी की हो जाती है तेरे बाद उसी को दर्जा देती है तो उसको अपनी अमान में रखना मैं तेरी गुनाहगार बंदी हूं और तुझी से अपने गुनाहों की माफी चाहती हूं मुझे माफ कर दे और सलीम को मुझसे मिला दे ऐ पाक परवरदिगार अपने मुझे माफ कर दे और सलीम को मुझसे मिला दे ऐ पाक परवरदिगार अपने हबीब पाक के सदके में मेरी सुन ले तू सबका रखवाला है मुसीबत के मारों का रखवाला है हबीब पाक के सदके में मेरी सुन ले तू सबका रखवाला है मुसीबत के मारों का रखवाला है मेरी भी सुन ले
कौन औरत है जो हमारे बादशाह खुदावंद आमरी को छोड़कर किसी और की परस्तिश कर रही है? इसे पकड़ कर अपने बादशाह खुदावंद आमरी के पास ले चलो। चलो ले चलो इसे। के अलावा किसी और खुदा की परस्तिश करती हुई मिली है। वो नादान औरत तू हमें छोड़कर को पकड़ कर लाए हैं। ये जंगल में आपके अलावा किसी और खुदा की परस्तिश करती हुई मिली है। वो नादान औरत तू हमें छोड़कर किस खुदा की परस्तिश करती है? उस खुदा की जिसने जमीन बनाई, आसमान बनाया, मुझ जैसी सर झुकाने वाली बनाई और तुझ जैसा खुद सर बनाया। किस खुदा की परस्तिश करती है? उस खुदा की जिसने जमीन बनाई, आसमान बनाया, मुझ जैसी सर झुकाने वाली बनाई और तुझ जैसा खुद सर बनाया। वही खुदा जो तमाम आलम का खुदा है, न मैं उससे जुदा हूं न तू उससे जुदा है। बकवास बंद कर। वही खुदा जो तमाम आलम का खुदा है, न मैं उससे जुदा हूं न तू उससे जुदा है। बकवास बंद कर। जानती नहीं हम अपने न मानने वालों को कितनी सख्त सजा देते हैं? नमरूद फिरौन भी अपने न मानने वालों को सजा दिया करते थे, मगर खुदा के मानने वाले हंसते खेलते अपने खुदा के नाम पर जान दे दिया करते थे। तू हमें खुदा नहीं मानेगी? जब तक इस जिस्म में सांस है हरगिज नहीं। अगर हंसते खेलते अपने खुदा के नाम पर जान दे दिया करते थे। तू हमें खुदा नहीं मानेगी? जब तक इस जिस्म में सांस है हरगिज नहीं। अगर तू अपने खुदा को मानती है तो बता वो क्या करता है? अगर तू तख्त से उतरकर नीचे आए तो जरूर बताऊंगी और अपने खुदा का जलवा दिखाऊंगी। तेरे खुदा का जलवा देखने के लिए हम जरूर तख्त से उतरकर आएंगे। देखो मगरूर, मेरा खुदा ये करता है, तुझे तख्त से उतारता है, मुझे बिठाता है, ये उसका जलवा है। अगर तेरा खुदा ये करता है तो बताओ उसका मुंह। ये करता है, तुझे तख्त से उतारता है, मुझे बिठाता है, ये उसका जलवा है। अगर तेरा खुदा ये करता है तो बताओ उसका मुंह किस तरफ है? बता इस शमा का मुंह किस तरफ है? चारों तरफ। बिल्कुल इसी शमा की तरह खुदा का मुंह भी चारों तरफ है। अच्छा तो तेरा खुदा दिखाई क्यों नहीं देता? मुंह भी चारों तरफ है। अच्छा तो तेरा खुदा दिखाई क्यों नहीं देता? दिखा सकता है? नादान औरत, दर्द दिखाया नहीं जाता, महसूस किया जाता है। बेवकूफ, जिस तरह दर्द महसूस किया जाता है इसी तरह खुदा की हस्ती को भी महसूस किया जाता है। चांद में, सूरज में, पानी में, हवा में, फूल में और फूल की खुशबू में खुदा महसूस होता है। वो सबका रखवाला है। अगर वो तेरा रखवाला है? सूरज में, पानी में, हवा में, फूल में और फूल की खुशबू में खुदा महसूस होता है। वो सबका रखवाला है। अगर वो तेरा रखवाला है तो वो तुझे बचाने जरूर आएगा।
सिपाहियों ले जाओ इसे और चारों तरफ बांध कर आग लगा दो। देखता हूं इसका खुदा इसे कैसे बचाता है। तो वो तुझे बचाने जरूर आएगा। सिपाहियों ले जाओ इसे और चारों तरफ बांध कर आग लगा दो। देखता हूं इसका खुदा इसे कैसे बचाता है। ले जाओ। बेवकूफ औरत क्यों अपनी जान गंवाती है? बेवकूफ औरत क्यों अपनी जान गंवाती? अगर अब भी हमको खुदा मान ले तो हम तेरी जान बख्श सकते हैं। गुमराह इंसान, जान ले और देने वाला वही है तू नहीं, हम तुझे। अगर अब भी हमको खुदा मान ले तो हम तेरी जान बख्श सकते हैं। गुमराह इंसान, जान ले और देने वाला वही है तू नहीं, हम तुझे खुदा मानने के बजाय ठोकर से मारते हैं। खुदा वही है जिसे इंसान फरिश्ते सभी मानते हैं। इस खुदा के नाम लेने वाली पागल औरत को आग में जला दो। खुदा मानने के बजाय ठोकर से मारते हैं। खुदा वही है जिसे इंसान फरिश्ते सभी मानते हैं। इस खुदा के नाम लेने वाली पागल औरत को आग में जला दो और अगर वहां से भी बच जाए तो तेल के खौलते हुए कड़ाहों में डाल दो। आग में जला या खौलते हुए तेल के कड़ाहों में डाल, लेकिन जब तक मेरे मुंह में जबान है और जबान में बोलने की ताकत है मैं अल्लाह ही का नाम लेती रहूंगी। अल्लाह बांधो इसका मुंह ताकि मरने से पहले अल्लाह का नाम इसके मुंह में दफन हो जाए। जालिम, तू मुंह बांध सकता है मगर मेरा सांस नहीं रोक सकता। हर सांस के साथ उसका पाप पहले अल्लाह का नाम इसके मुंह में दफन हो जाए। जालिम, तू मुंह बांध सकता है मगर मेरा सांस नहीं रोक सकता। हर सांस के साथ उसका पाक नाम निकलेगा। अल्लाह अल्लाह। बांध दो इसका मुंह, देखता हूं सांस के साथ कैसे अल्लाह का नाम निकलता है। आख नाम निकलेगा। अल्लाह अल्लाह। बांध दो इसका मुंह, देखता हूं सांस के साथ कैसे अल्लाह का नाम निकलता है। हो गया जो कि रब का हो गया।
जिसने उसे पहचाना, जिसने उसे पहचाना वो ही शैदा हो गया, वो ही शैदा हो गया। पानी हवा और आग सब है उसके ताबेदार, पानी हवा और आग सब है उसके रब उसका है रखवाला जो की
खुदा की सच्ची मानने वाली, तूने एक गुमराह को रास्ता दिखा दिया, एक अंधे बादशाह को आंखें देकर खुदा का जलवा दिखा दिया। अब इस गुनाहगार के लिए दुआ कर कि वो इसके गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाह बहुत बड़ा है। खुदा का जलवा दिखा दिया, अब इस गुनाहगार के लिए दुआ कर कि वो इसके गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाह बहुत बड़ा है, उसकी आगोश सबके लिए खुली है, और जब कभी कोई गुमराह बंदा उसके पास नादिम होकर आता है, उसकी आगोश सबके लिए खुली है, और जब कभी कोई गुमराह बंदा उसके पास नादिम होकर आता है, तो वो उसे पहले माफ करता है। ये तेरी बहुत बड़ी हार हुई है, अब एक मौका और रह गया है, उसे भी आजमा ले, तो वो उसे पहले माफ करता है। ये तेरी बहुत बड़ी हार हुई है, अब एक मौका और रह गया है, उसे भी आजमा ले, उसे आजमाऊंगी और इस दफा यकीनन तुझको हराऊंगी। आए हैं शहजादे मियां, आप और यहाँ तुम कौन हो? लीजिए, आप मुझे नहीं जानते, मैं रोशनारा बेगम की खास कनीज हूँ। बिचारी जब से शाहबाद आई है दिन रात आप ही के फिराक में। तुम कौन हो? लीजिए, आप मुझे नहीं जानते, मैं रोशनारा बेगम की खास कनीज हूँ। बिचारी जब से शाहबाद आई है दिन रात आप ही के फिराक में रोया करती है। रोशनारा शाहबाद पहुँच गई? शाहबाद पहुँच कर ही तो उन्होंने मुझे घर जाने की छुट्टी दी है। देखिए वो सामने वाला गाँव है ना, वही मेरा घर है, चलिए आप भी चलिए। नहीं नहीं, हम शाहबाद जाएंगे रोशन के पास। खुदाया तेरा लाख लाख शुक्र है कि उनको सही सलामत घर पहुंचा दिया। अब्बा हजूर, आप मुझे इजाजत दें कि मैं शाहबाद पर लश्कर लगा चढ़ाई कर दूं और आपकी तोहीन का बदला लूं। ईंट का जवाब पत्थर से देने के बजाय खुदा पर छोड़ दो बेटा, खुदा इसका बदला खुद लेगा। मगर उस मगरूर जहानारा का सर कुचलना जरूरी है। जहानारा तुम्हारी बीवी हो चुकी मियां, खुदा पर छोड़ दो बेटा, खुदा इसका बदला खुद लेगा। मगर उस मगरूर जहानारा का सर कुचलना जरूरी है। जहानारा तुम्हारी बीवी हो चुकी मियां, बीबी की जंग जुबानी हुआ करती, तेग और तलवार से नहीं। मैं तुम्हें फौज कची की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। अपने भाई के आने का इंतजार करो, वो आ जाए तो जो कुछ करना हो उसके मशवरे से करना, समझे? और हाँ बेटा, अपने भाई की तलाश में मुल्क मुल्क कासिद भेजो, उसका कहीं पता तो लगे। बेहतर अब्बा हजूर, कासिद भेजो, उसका कहीं पता तो लगे। बेहतर अब्बा हजूर, मैं शाहबाद पर जरूर चढ़ाई करूंगा, लश्कर से नहीं चालाकी से। जब मेरे भाई आएंगे तो देखेंगे मैंने शाहबाद फतह कर लिया। रेहाना, वजीरों से जाकर कहो तुरान से जो भी आए उससे बगैर हमारे हुक्म के गोली से उड़ा दिया जाए। बहुत बेहतर। हुजूर मलिका साहिबा, शहजादा सलीम आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। कौन? शहजादा सलीम? बहुत बेहतर। हुजूर मलिका साहिबा, शहजादा सलीम आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। कौन? शहजादा सलीम? उड़ता हुआ परिंदा खुद ब खुद पिंजरे में आ गया। ठहर जाओ, वो बहुत दूर से चलकर हमारे पास आए, अब हम उड़ता हुआ परिंदा खुद ब खुद पिंजरे में आ गया। ठहर जाओ, वो बहुत दूर से चलकर हमारे पास आए, अब हम उनके पास जाएंगे। बहुत राह दिखाई शहजादा सलीम ने। मलिका साहिबा, हम बहेसियत मलिका के खिदमत आलिया में कॉर्निश बजा लाते हैं और बहेसियत छोटे भाई की बीवी होने की दुआ कहते हैं। तो तुम भी जख्मों पर नमक छिड़कने आए हो? क्यों, क्या असलम से तुम्हारी शादी नहीं हुई? दुनिया की नजर में छोटे भाई की बीवी होने की दुआ कहते हैं। तो तुम भी जख्मों पर नमक छिड़कने आए हो? क्यों, क्या असलम से तुम्हारी शादी नहीं हुई? दुनिया की नजर में, मगर हमारी नजर तुम पे थी,
हम तुमसे शादी करना चाहते थे। मगर हमने तुमसे कभी शादी करने की ख्वाहिश नहीं की थी। हमारा पैगाम रोशनारा के लिए था। मगर हमारी नजर तुम पे थी। हम तुमसे शादी करना चाहते थे। मगर हमने तुमसे कभी शादी करने की ख्वाहिश नहीं की थी। हमारा पैगाम रोशनारा के लिए था। हम समझते हैं खुदा ने हमें सिर्फ रोशनारा के लिए पैदा किया है। हम समझते थे खुदा ने हमको तुम्हारे लिए पैदा किया है। ये तुम्हारी भूल थी। अब तुम हमारे भाई की बीवी हो। हम समझते हैं खुदा ने हमें सिर्फ रोशनारा के लिए पैदा किया है। हम समझते थे खुदा ने हमको तुम्हारे लिए पैदा किया है। ये तुम्हारी भूल थी। अब तुम हमारे भाई की बीवी हो। हम तुम्हारा लिहाज करते हैं। तुम्हें भी हमारा अदब करना चाहिए। बताओ रोशन कहाँ है? सलीम, तुम एक मलका के जज्बात को रोंद रहे हो। हमने तुम्हें पसंद का लिहाज करते हैं। तुम्हें भी हमारा अदब करना चाहिए। बताओ रोशन कहाँ है? सलीम, तुम एक मलका के जज्बात को रोंद रहे हो। हमने तुम्हें पसंद किया है अपनी ताकत के बल पे। अब तुम जिंदा रहोगे तो सिर्फ हमारे लिए। हम नहीं जानते रोशनारा कौन है और कहाँ है। बोलो, तुम हमें अपनी आया है अपनी ताकत के बल पे। अब तुम जिंदा रहोगे तो सिर्फ हमारे लिए। हम नहीं जानते रोशनारा कौन है और कहाँ है। बोलो, तुम हमें अपनी आगोश में लेना पसंद करोगे या अपने आप को मौत की आगोश में देना पसंद करोगे? ये तय कर चुकी हैं आप? हाँ, एक हुक्मरान मलका की तरह। छोटे भाई की बीवी की तरफ आंख उठाने से पहले हम मौत की ही आगोश में जाना पसंद करेंगे। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? बिल्कुल। पकड़ लो इन्हें और सुतून के साथ बांध दो। दोनों बहनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक ने बाप के नाम को रोशन किया और दूसरी बाप के नाम पर बदनुमा दाग है। दोनों बहनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक ने बाप के नाम को रोशन किया और दूसरी बाप के नाम पर बदनुमा दाग है। ज्यादा बोलने के बजाय दिमाग से काम लो। खुद मुख्तार मलकाओं का दिल जब किसी पे आ जाता है या तो वो जान ले लेती है या दे देती है। हुजूर, मलका साहिबा खिदमत में बसरे से एक सौदागर आया है और बालियाबी की इजाजत चाहता है। आने दो। बोलो, हमारे होते हो कि नहीं? साहिबा खिदमत में बसरे से एक सौदागर आया है और बालियाबी की इजाजत चाहता है। आने दो। बोलो, हमारे होते हो कि नहीं? जो भाई छोटे भाई के लिए अपनी सबसे ज्यादा अजीज चीज छोड़ सकता है, क्या वो उसकी बीवी को औलाद के अलावा और भी कोई दर्जा दे सकता है? सलीम, हमें इतना ना चाहिए। जो भाई छोटे भाई के लिए अपनी सबसे ज्यादा अजीज चीज छोड़ सकता है, क्या वो उसकी बीवी को औलाद के अलावा और भी कोई दर्जा दे सकता है? सलीम, हमें इतना ना चला कि हम दुनिया जला दे। मैंने कहा मलका साहिबा की खिदमत में बसरे का सौदागर कारनेज बजा लाता है। सौदागर, क्या तुम ज्यादा से ज्यादा जैतून का तेल हमें दे सकते हो? जी मलका साहिबा। इतना तेल ला सकते हो जिससे ये महल जल जाए, इसमें रहने वाले जल जाए? जी मलका सकते हो? जी मलका साहिबा। इतना तेल ला सकते हो जिससे ये महल जल जाए, इसमें रहने वाले जल जाए? जी मलका साहिबा। सौदागर बसरे से 40 मटके जैतून के तेल के साथ लाया है। 40 मटके? ठीक है, ले आ। सलीम, तुम अपनी मोहब्बत की आग में हमारा दिल जलाते रहे। आज हम तुम्हें जला देंगे, इस महल को जला देंगे, सबको जला देंगे। सलीम, तुम अपनी मोहब्बत की आग में हमारा दिल जलाते रहे। आज हम तुम्हें जला देंगे, इस महल को जला देंगे, सबको जला देंगे, खुद भी जल जाएंगे। जलाने के लिए तेल पेश किया जाए? अभी मंगा। मलिका साहिबा, अपने आप को काबू में लाइए और ठंडे दिल से गौर कीजिए। जिस दिल में मुद्दतों से आग लग रही हो, क्या वो ठंडा रहकर गौर कर सकता है? सौदागर, ये क्या कर रहे हो? चुप ना बेकार, अगर हिलने की कोशिश की गर्दन उड़ा दूंगा। कर सकता है?
सौदागर, ये क्या कर रहे हो? चुप ना बेकार, अगर हिलने की कोशिश की गर्दन उड़ा दूंगा। छोटे जरा मुझे निकाल भाई। रिश्तेदार कर ले सुना बेकार। हिलना नहीं। खामोश खामोश, बिल्ली की तरह घूमती है। खामोश, गिरफ्तार करने आई थी। बाजू आए। ओह, अरे असलम भाईजान, शरीर कहीं के मजबूरी सब कुछ करें, इसने रोशनारा बेगम को ना जाने कहां गायब कर दिया और मुझसे शादी करके हजूरबा जान और अमी जान को कैद किया। भाईजान, शरीर कहीं के मजबूरी सब कुछ करें, इसने रोशनारा बेगम को ना जाने कहां गायब कर दिया और मुझसे शादी करके हजूरबा जान और अमी जान को कैद किया। अब मैं इसकी गर्दन काट के यहां से तुरान ले जाऊंगा। नहीं नहीं, जल्दी का काम शैतान का होता है। आखिर ये तुम्हारी बीबी है, जब तक रोशनारा का पता ना चले इसे ही। अब मैं इसकी गर्दन काट के यहां से तुरान ले जाऊंगा। नहीं नहीं, जल्दी का काम शैतान का होता है। आखिर ये तुम्हारी बीबी है, जब तक रोशनारा का पता ना चले इसे ही कैद रखा जाए। कुर्बान जाइए उस खुदा के, उसने ऐन मौके पर रोशनारा बेगम को भेजकर हमारी मुश्किल को आसान कर दिया। आपा जान, आपा जान, आपको किसने बांधा है? मैंने, क्योंकि खुदा और उसका कानून इन्हें मेरे निकाह में बांध चुका है। जो जो जुल्म इन्होंने किए हैं वो बयान से बाहर है। ये तुम्हारी बहन है, इसलिए फैसला तुम पर छोड़ जाता है। बताओ, खुदा और उसका कानून इन्हें मेरे निकाह में बांध चुका है। जो जो जुल्म इन्होंने किए हैं वो बयान से बाहर है। ये तुम्हारी बहन है, इसलिए फैसला तुम पर छोड़ जाता है। बताओ, इनके साथ क्या सलूक किया जाए? इन्हें माफ कर दिया जाए। मगर इन्होंने हजूर अब्बा जान अम्मी जान का कसूर हमसे ज्यादा किया। आप उन्हें काफिर भेज कर बुलवाइए। आपा जान की जगह मैं उनसे माफी मांगूंगी। इन सबके मिल जाने से ये ना समझना कि मेरी हार हुई। आपा जान की जगह मैं उनसे माफी मांगूंगी। इन सबके मिल जाने से ये ना समझना कि मेरी हार हुई। मेरा इम्तिहान अभी जारी है। तेरा इम्तिहान खत्म हो चुका है। रोशनारा की सच्चाई ने जहानारा को शौहर के पैरों पर झुका दिया। अब जहानारा खुद अपने मेरा इम्तिहान अभी जारी है। तेरा इम्तिहान खत्म हो चुका है। रोशनारा की सच्चाई ने जहानारा को शौहर के पैरों पर झुका दिया। अब जहानारा खुद अपने हाथों से सलीम की शादी रोशनारा से कर रही है। शादी हुई तो क्या हुआ, मैं भी इन्हें आराम से न बैठने दूंगी। हाथों से सलीम की शादी रोशन आरा से कर रही है। शादी हुई तो क्या हुआ, मैं भी इन्हें आराम से न बैठने दूंगी। जीते रहो, जिंदगी की बहारें देखना नसीब हो। तुम्हारी गुनाहगार बहन तुम्हें मुबारकबाद देती है। देखना नसीब हो। तुम्हारी गुनाहगार बहन तुम्हें मुबारकबाद देती है। सदा फूलो मेरे सर पर। बेटे, बेचार मालिक का मुख हो मालिक। क्या हो मेरे बच्चे को? मेरा बेटा सलीम, सलीम, आंख खोलो बेटा। बहुत मुद्दत के बाद तुम आए थे। बेटा, तुम्हारा बूढ़ा बाप
तुम्हें अपनी आंखों के सामने जाते नहीं देख सकता बेटा। सलीम भाईजान आंखें खोलिए, खुदा ने कहा आपको कुछ हो गया तो ये कुदरत का हम सब पर जुल्म होगा। मैं गुमराह हो जाऊंगा। मुझे गुमराही से बचाने के लिए आंखें खोलिए भाईजान। परवरदिगार मेरे अरमानों की लाज नहीं रखता है तो ना रख, मगर इंसानों को गुमराही से बचाने के लिए इनको भी जिंदा रहने दे। सलीम रखता है तो ना रख, मगर इंसानों को गुमराही से बचाने के लिए इनको भी जिंदा रहने दे। सलीम कम से कम एक बार अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा तुरान की राया को तो चलकर दिखा दो या खुदा। इस फूल को खिलने से पहले न मुरझा, ये बूढ़ा बाप अपनी कुर्बानी दे। इस फूल को खिलने से पहले न मुरझा, ये बूढ़ा बाप अपनी कुर्बानी देने को तैयार है। इसे कबूल कर और इसे बचा ले। तू ही इज्जत देता है, तू ही जिल्लत। मेरे खुदा आज मैं तुझसे मौत मांगती हूँ, मुझसे इन लोगों का बिलखना भड़कना देखा नहीं जाता। तू ही जिल्लत। मेरे खुदा आज मैं तुझसे मौत मांगती हूँ, इन लोगों का बिलखना भड़कना देखा नहीं जाता। या तू मुझे मौत दे, नहीं तो इनको जिंदगी दे। ऐ रहीम, अगर मेरे दिल में ईमान है, या तू मुझे मौत दे, नहीं तो इनको जिंदगी दे। ऐ रहीम, अगर मेरे दिल में ईमान है और मैं नेकी के रास्ते पर चलती रही तो तू अपनी रहमत को जोश मिला। ईमानदार का दिल दुखा है, ईमानदार का दिल दुखने से अर्श हिल जाता है। अब उसकी रहमत जोश में आकर रहेगी। मज़लूम पे ज़ुल्म और सितम और ये बेदाग
सदा मैंने की है तेरे बंदगी। बीवी के जज्बात की लाज रख दी। ला, तूने ईमान और नेकी का सर ऊंचा कर दिया। तूने किताब गुजार बीवी के जज्बात की लाज रख दी। कुर्बान तेरी खुदाई की। रोशन, मुझे माफ कर दो रोशन। मुझे माफ कर दो। माफी तो तुझे कयामत तक नहीं मिल सकती। अगर इस मुसीबत से बचना चाहती है तो वादा कर, नेकी पे चलने वाले ईमानदार बंदों के रास्ते में कभी नहीं आएगी। तू हार चुकी है। मैं वादा करती हूँ, अब नेकी पे चलने वालों के रास्ते में कभी नहीं आऊंगी। अंजाम नेक बद का बातिल परस्त देख। मैं वादा करती हूँ, अब नेकी पे चलने वालों के रास्ते में कभी नहीं आऊंगी। अंजाम नेक बद का बातिल परस्त देख, नेकी की फतह और बदी की शिकस्त देख। जब यहाँ से जाऊंगा मैं और क्या ले जाऊंगा, जब यहाँ से जाऊंगा मैं और क्या ले जाऊंगा। एक नेकी एक भलाई एक दुआ ले जाऊंगा, जब यहाँ से जाऊंगा मैं और क्या ले जाऊंगा। और दुनिया चंद्रा
की ये सरा है जिसमिया चंद रोज, चार दिल की ये सरा है जिसमें रहना चंद रोज। क्यों ना कर जाऊं जहां में नाम अपना चंद रोज, क्यों ना कर जाऊं जहां में नाम अपना चंद रोज, क्यों ना कर जाऊं जहां में नाम अपना चंद रोज, क्यों ना कर जाऊं जहां में नाम अपना चंद रोज। एक अपना नाम या नामे खुदा ले जाऊंगा, जब यहाँ से जाऊंगा मैं और क्या ले जाऊंगा। एक नेकी एक भलाई एक दुआ ले जाऊंगा, जब यहाँ से जाऊंगा मैं और क्या ले जाऊंगा। एक नेकी एक भलाई एक दुआ ले जाऊंगा, जब यहाँ से जाऊंगा मैं।